Connecting to cloud एंड and... ठीक है सही है अब, अब मैं मैं वापस देता हूँ हाँ, अच्छा तो मैंने तुम लोग अभी एक लिंक प्रोवाइड करा है और मैंने मजीद एक्सटेंड करा है थोड़ा टाइम निश के ऊपर उसका रीजन ये है कि निश सिलेक्शन बहुत प्रॉबेबली सबसे क्रूशल पार्ट है और फिर जाहिर सी बात है उसके बाद सेकेंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज़ तुम लोग रैंक करो लेकिन निश इसलिए क्रूशल है बिकॉज तुम लोग को खुद को बैक एंड पे अपनी रिसर्च बहुत ज्यादा करनी है तुम लोग को डिफरेंट टूल्स यूज करने और फिर मुझे पता है काफी वेग भी हो गए तुम लोग को किसी, किसी को किसी निश फा, को फाइनलाइज करने में तो उसकी हेल्प के लिए मैं मजीद मुस्तकिल कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता हूँ कि तुम लोग को चीजें प्रोवाइड करता रहू uh, के तुम लोग अपनी रिसर्च आसान हो करो अपने लिए ठीक है प्लीज कोई लिंक शेयर कर दे चैट पे अच्छा ये लिंक है क्या मैं बता देता हूँ ये दीज लिंक्स आर बेसिकली ऑल द बॉट वेबसाइट्स ऑन फ्लिपर ठीक है एंड इसको देख के आप कुछ चीजों का अंदाजा लगा सकते हो मतलब जैसे कि मैं बात करता हूं ये वेबसाइट हो गई डिजर्ट फॉर एवर डॉट कॉम डिजर्ट फॉर एवर डॉट कॉम तीन हजार सात सौ डॉलर की बिकी है और ये मंथली सॉरी पांच हजार डॉलर की बिकी है और ये मंथली तीन हजार सात सौ डॉलर बना रही थी ठीक है इसी तरह अब खैर ये डिजर्ट से रिलेटेड क्या था मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन अब मैं ये वेबसाइट बात कर लेता हूँ दिस इज एन वेबसाइट द हैप्पी फोटो डॉट कॉम ठीक है ये बिक गई मॉडल भी लिखा हुआ है एमेजॉन साफ साफ सोल्ड फॉर वन वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड डॉलर और नेट प्रॉफिट जो मिला इसको वो मिला फिफ्टी एट पर मंथ बना रही थी फिफ्टी एट डॉलर पर मंथ 75 फाइव डॉलर पर मंथ जो बना रही है वो ढाई हजार डॉलर की बिकती है मतलब दिस इज नॉट अ बेट आप ये सोचो आप खुद ये बात इमेजिन करो मैं तुम लोग को समझा रहा था ये बात कि ये ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है ना अच, मतलब अच्छा एक अच्छी अमाउंट नहीं कमा सकते सिक्स मंथ्स में अगर तुम लोग अपनी निश में अपने आप को रैंक करना स्टार्ट कर देते हो देन यू न हाईली लाइकली फ्लिप योर वेबसाइट साठ सिक्स के दो हजार डॉलर की तुम लोग तो फ्लिप कर सकते हो दो हजार की सकते हो, तो करो, के अंदर, तुम्हारे एक साथ आ जाए सही है अप्रोक्सिट अराउंडिगर ठीक है इसी तरह मैं एक और बात कर लेता इसके बाद एक और साइट आएगी खोल रहा हूँ मेरे को जो ढाई हजार डॉलर की बिकी हुई है ये पेट स्टोर डॉट ओ आर जी लेकिन दिस इज आई थिंक दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर आई थिंक आई नीड टू लुक एट दिस नहीं आई डू नीड टू हैव अ लुक एट इट इसने गलती से शायद कैटेगराइज गलत कर दिए ये शायद amazon ही होगा मेरा ख्याल है चेक करते हैं ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर देखो नीचे वाला skinnylegging.com 366 पर मंथ कमा रहा था सोल्ड फॉर 300

लेकिन वेरी पुअरली डन वेरी पुअरली डन लाइक ये क्या कर रही है इसने ये प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हो किस तरह लिखे हुए बिल्कुल इसने करा हुआ क्या है ना इसने कोई लिंक डाला है पता नहीं क्या कर रहा था ये मेरा ख्याल है वन ऑफ गाइस जो ऐसे ही बस चला रहा था चल रहा है चल रहा है नहीं चल रहा नहीं चल रहा लेकिन दिस ये एक बहुत एक ऐसी साइट का मैं तुम्हें तो अभी नक्शा दिखा रहा हूं बैठ के जिसके अंदर पोटेंशियल बॉट था और इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया सही है? स्क्रीन uh, तो मैंने शेयर किया भाई मैं फिर से रीशेयर कर लेता हूं, रुको आई यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन ठीक है तो तुम लोग को इतनी एक बुरी साइट का मैंने तुम लोग अब दिखा दिया कि इतनी ही मतलब साइट के ऊपर सारी चीजें सही से हैं मतलब वैसे साइट अपेरेंटली इतनी बुरी नहीं लग रही दिखने में एंड आई एम श्योर कि इससे बेहतर हो सकती थी मेरा कहना मेरे कहना यहाँ पे असल में ये है कि इसने डन दिस वेरी पुअरली मतलब लिंक कहाँ है मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है या तो फिर लिंक्स हटाए गए हैं ये कह सकते हैं कि मे बी ये वेबसाइट बिकी है ना तो उस बंदे ने खरीदने के बाद इस साइट पे से लिंक्स हटाए हैं और शायद ये अपने लिंक्स लगाएगा लेकिन ये वैसे भी हो सकता था कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी इसके ऊपर ठीक डॉग वाओ खैर सो यहां ये साइट बताने का मकसद क्या है ये साइट बताने का मकसद ये है कि तुम लोग आइडियाज ले लो ठीक है तुम लोग आइडियाज ले लो कि अगर तुम लोग को निश्च सेलेक्शन करनी है तो तुम लोग यहाँ पे जाके पुरानी साइट्स के ऊपर देख सकते हो कि क्या हुआ हुआ, हुआ है क्या नहीं हुआ हुआ ठीक है सॉरी बाइंग रनिंग वेबसाइट श्योर मतलब यू कैन बाय अ रनिंग वेबसाइट मैं समझता हूँ बेनिफिशियल है क्यों इस तरह की वेबसाइट बिल्कुल आप खरीद सकते हो आप आप ये नहीं खरीदना चाहते आप रिलेटिवली किसी का हाई डोमेन अथॉरिटी हो वो वेबसाइट यहां पर हो आप उसको खरीद लो ठीक है नहीं स्ट्रेटेजी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी नॉट टॉकिंग अबाउट द टेम्पलेट यू कैन ऑलवेज गो फॉर एनी अदर टेम्पलेट और द सेम टेम्पलेट इफ यू वॉन्ट वट आई मेन्ट वॉज कि तुम लोग यहां से इस साइट को जो पहले से सोल्ड है सोल्ड है मतलब समवन वन पोटेंशियल ऑन दीज वेबसाइट विच मींस के इस खरीदने से पहले बंदा यूजली अपना कुछ होमवर्क करता है ठीक है उसकी स्टेटिक्स देखता है बंदे से बात करता है से लाइफ पे इफ नेसेसरी ये सारी चीजें करने के बाद बंदा खरीदता है सही है कुड बी हाँ हो भी सकता है बट दे इज नो देखो असल में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि 500 डॉलर की साइड 20,000 डॉलर की बिकनी चाहिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ठीक है यहाँ पे बिडिंग होती है तो अब मैं बताता हूँ कि 60 डॉलर्स की साइड ढाई डॉलर की बिकी क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ समझाता हूँ इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ <coughs> <coughs> देखो टाइम लेवरेज बताया था तुम लोग को सनी भाई ने अगर तुम लोग को याद हो ठीक है ये तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो टाइम लेवरेज वाली थ्योरी से थोड़ा कहने का मकसद क्या है तुम किसी ने तुम अच्छा लेट्स सपोज मैं तुम लोग से एक बात करता हूं मैं. आज तुम लोग कोई वेबसाइट रैंक करने बैठते हो छह से आठ महीने की मेहनत है छह से आठ महीने के बाद तुम लोग कमाना स्टार्ट करोगे छह महीने में तुम लोग की साइट्स रैंक हो जाएंगी कमाना स्टार्ट करोगे नाउ यू रिली का छह महीने में एक तो तुम्हारा अगर तुम ऑटोमेट करवा रहे हो तो तुम्हारा कुछ बजट लगेगा ही लगेगा ठीक है अब क्या है तुम छह महीने के बाद अपना जर्नी स्टार्ट करो इस तरह की वेबसाइट लेके उसको इम्प्रूव करके एक तरीका ये वन वे ऑफ लुकिंग एट इट तुमने अपने छह महीने बचा लिए तुमने बोला मैं एक रनिंग वेबसाइट खरीद रहा हूँ मैं तुम लोग को सिर्फ एक परस्पेक्टिव दे रहा हूं सही है मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ये करें लेकिन जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मेरा काम था तुम लोग को ये वेबसाइट बताना दो तरीके से अगर फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट को लेके चल रहे हो तब भी इधर से जो तुम अपनी रिसर्च कर लो <coughs> <Excuse me>. <coughs> 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 अगर फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट लेके चल रहे हो तब भी यहाँ से रिसर्च कर लो अगर फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट को नहीं लेके चल रहे और समझते हो नहीं यार मैं खरीदूंगा तो यहां से सोच भी सकते हो खरीदने का लेकिन डू सम होमवर्क ओवर इट छह महीने का जर्नी कर लो यहां से बैठ के छह महीने तक वो भी ठीक है और तुम बोलते हो नहीं मैंने अपने छह महीने स्किप करने हैं एंड एंड आई वांट टू लैंड समवेयर बिटवीन मंथ और वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करना है विद ऑटोमेशन या जो भी तुम्हारा प्लान है तुम लोग साठ डॉलर कमा रहे हो सौ डॉलर कमा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि पांच डॉलर की साइड बीस डॉलर की बिकेगी मैं तुम्हें तो बताता हूँ क्यों लोग साठ डॉलर वेब साठ डॉलर वाली वेबसाइट या सत्तर डॉलर वाली या सौ डॉलर वाली या पचास डॉलर वाली वेबसाइट को खरीदने में इसलिए ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्योंकि उसके कुछ कीवर्ड्स रैंक हो चुके होते हैं और जब एक बार गूगल किसी डोमेन को रैंक करना शुरू कर दे तो बाकी बाकी पेजेस को भी रेलेटिवली आसान हो जाता है रैंक करना रेलेटिवली क्यों गूगल की नजर में उस साइट ने अपना एक टाइम गुजार लिया है गूगल को यह नहीं पता है इसका ओनर पहले कौन था आप कौन है बाद में कौन है गूगल को यह पता है कि यह अपना एक अच्छा टाइम गुजार रहा है वेबसाइट के ऊपर ठीक है तलाल करता रहेगा तलाल करता रहेगा एक्चुअली मुझे फिर शायद इसी टीम से इस सेशन के बाद बात करनी होगी कि ये स्टूडेंट्स के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का इसके ऊपर क्या क्राइटेरिया क्या हम लोग पासवर्ड हटा दें क्या रखें या नहीं करें या क्या करें ठीक है हाँ वो कर रहा है वो कर रहा है अच्छा ओके आगे आ, आगे चलते हैं ठीक है ओके सो एक तो आई होप इतना तुम लोग को समझ आ गया हो तो मैं अब अपने टॉपिक पे चलता हूं आज का जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली हैंड इन हैंड दो चीजों को साथ लेके चलता है एक आपका एसो को भी और कंटेंट को भी ठीक है साइलो आर्किटेक्चर आई डोंट नो सम ऑफ यू मे नो अबाउट दिस सम ऑफ यू मे नॉट बट मैं तुम लोग का ये बता देता हूं साइलो आर्किटेक्चर अगर तुम लोग को गूगल पे रैंक होना है और अगर तुम लोग ये तरीके तरीकेकार तरीक नहीं लेकर चलोगे तो प्रोबेबली तुम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगना है रैंक होने में एक नॉर्मल वेबसाइट से अगर एक नॉर्मल ओके okay. मुझे नहीं पता था सॉरी कर लिया मैंने तलाल नहीं है सेशन में क्या मैं तुम लोग में से किसी को बना दू होस्ट या क्या करूं बिकॉज देन ये बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं मुस्तकिल जो है ना एक्सेप्ट करता रहूं और पढ़ाता भी रहा हूं क्योंकि हर पांच मिनट के बाद ये मैसेज आ रहा होगा कि प्लीज एक्सेप्ट कर लेट एक तलाल सेड लेट मी इन ओके तलाल मैं आपको वापस दे रहा हूं आप मुझे ना कॉल कर दो अगर आपको इसमें आना हो ठीक है मैंने बना दिया आपको होस्ट अच्छा तो अब साइलो आर्किटेक्चर की मैं तुम लोग से बात कर रहा था साइलो आर्किटेक्चर बेसिकली होता ये है कि आप दो चीजों को दो से तीन चीजों को हैंड इन हैंड लेके चल रहे होते हो आप अपनी साइट को एक स्ट्रक्चर देते हो स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज करते हो और दूसरी चीज ऑर्गेनाइज़ करने से होता क्या है? ऑर्गेनाइज़ करने से आप गूगल को यह बता देते हो कि यार मैं मेरी इस कैटेगरी में ये ये चीजें आ रही हैं और इस कैटेगरी में ये ये चीजें आ रही हैं। जैसे कि मैंने तो तुम लोग को शॉपिफाई में बताया था कि हम कैटेगरीज़ या कलेक्शन बनाते हैं ठीक है मैं तुम लोग को और डिटेल में लेके चलता हूं ताकि तुम लोग समझ आता रहे सो so,

साइलो आर्किटेक्चर में एक और जो चीज ये हो जाती है तो इतने लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ये जूम के इसकी वजह से इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है साइलो आर्किटेक्चर की वजह से एक और चीज ये हो जाती है कि बहुत सारे कुछ ऐसे की भी होते हैं की वर्ड फ्रेजेस जिसपे आपने सोचा नहीं होता है सबकॉन्शियसली के मतलब मैं इन पे रैंक करूं लेकिन आप उन पे भी रैंक हो जाते हो लेकिन वो कीवर्ड मैच फ्रेजेस होते हैं एग्जैक्ट मैच नहीं होते ठीक है वो फ्रेजेस होते हैं लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं होते वो लॉन्ग टेल की तरफ भी जा सकते हैं ठीक है तो और इसको तुम लोग को सही से डिफाइन करने के लिए मैं तुम लोग से एक बात पूछता हूं कि अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि ये वेबसाइट किस बारे में वेबसाइट ए है कोई और मैं बोलूँ की कि वेबसाइट किस बारे में है? तो तुम लोग ये बता नहीं सकते एग्जैक्टली किस चीज के बारे में स्पेसिफिकली बिकॉज ये हर चीज के बारे में बात कर रही है यार जरा मुझे ये हैंडल करने दो बिकॉज मेरे पास मुस्तकिल अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ एक मिनट ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि गोल्ड आईआरए क्या है असल में मैं तुम लोग को वो बताना चाह रहा था कि यार मैं जरा कॉल कर रहा हूँ एक सेकंड मुर्तजा को हाँ अच्छा तलाल मुझे जरा एडमिन वापस देना हाँ मुर्तजा मुझे बताओ कहाँ पर पार्टिसिपेंट्स में दबा दिया लो मैं बातें करना जा रहा हूँ खैर अच्छा तो इस वेबसाइट को अगर तुम लोग देखते हो जो मैंने तुम लोग को इससे पहले दिखाई है अगर तुम लोग इस वेबसाइट के कंटेंट को देखो और इसने क्या कंटेंट लिखा हुआ है तो तुम लोग इसको देख के क्या बताओगे इसने तो मेक सेंस कि तुम लोग बोल सकते हो ये अंडा घोटाला बना हुआ है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं इस वेबसाइट का जो ओनर था उसने ये सोचा हुआ था कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा अब ये क्यों इतना अनस्ट्रक्चर्ड लग रहा है क्योंकि है ही अनस्ट्रक्चर्ड लेकिन उसका एक मेन रीजन और है कि गूगल पे इसलिए नहीं रैंक करेगा क्योंकि अगर कोई एक न्यूज वेबसाइट भी होती है तो वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रही होती है ठीक है अगर एक न्यूज वेबसाइट होती है वो स्पोर्ट्स के ऊपर भी बात कर रही होती है वो स्टॉक्स के ऊपर भी बात कर रही होती है वो करंट पॉलिटिक पॉलिटिक्स के अफेयर्स के ऊपर भी बात कर रही होती है तो वो क्यों रैंक करती है गूगल पे रेलिवेंट तरीके से उसका एक सिर्फ सिर्फ एक मेन रीजन है वो ये होता है कि उन्होंने अपने आप को कैटेगराइज किया होता है। और करने से आप बेसिकली गूगल यू अलाउ गूगल वो आपको एक आपके कैटेगरीज को एक गुड लुक दे और उसको समझ ले कि अच्छा ठीक है मुझे इसको इस सर्च कीवर्ड्स के ऊपर मुझे रखना है इन चीजों इसके ये पूरे कैटेगरी अगर कोई लिखेगा लेट्स सपोज लेटेस्ट पॉलिटिक्स न्यूज या यूएस न्यूज uh, या लेट्स सपोज से रिलेटेड कोरोना वायरस न्यूज ठीक है अगर कोई इस तरह की चीज लिखेगा तो मुझे उसको इस कैटेगरी में डाल देना है नाउ इफ यू टेक अ लुक एट दिस वन आई एम सॉरी गोल्ड गोल्ड लिख दिया मैंने गोल्फ ने सही है सही है तो इफ यू गुड लुक एट दिस वन इतना तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि गोल्फ नेश है अब बात समझने की को कोशिश करो यहां पे गोल्फ नेश है वेल एंड गुड है लेकिन अगर तुम लोग दो मिनट के लिए और ऐसे मैं तुम्हें बताऊ ऐसी अनगिनत लोग हैं अभी भी हमारी दुनिया में जो कि जब वेबसाइट बनाने जा रहे होते हैं तो वो बहुत हैपेजर्ट वेबसाइट होती है कोई कैटेगरीज डिफाइन नहीं होती और वो उठा के बस लेके बस चल पड़ते हैं एक डायरेक्शन में वो बोलते हैं कंटेंट पे कंटेंट छापते रहो सही है और बस बैक लिंकिंग करते रहो काम हो जाएगा कैटेगरीज नहीं बनाते और आर्टिकल्स को डंप करते रहते हैं अगर तुम लोग इस, इसको देखो तो अगर तुम लोग ये समझो कि ये एक वेबसाइट ही है और इन टॉपिक्स के ऊपर सारे वो डंप हुए हैं तो तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि गोल्फ ये गोल्फ के बारे में बात है लेकिन क्या ये गोल्फ की न्यूज के ऊपर बात करिए बात करी है, है। समझ आ सकता है, को पढ़ के के बारे में बात करी है। लेकिन इट यही सारे टॉपिक्स जो मैंने पिछली बार में अभी तुम लोग को इस वाली स्लाइड में दिखाए इन्हीं सारे टॉपिक्स को मैंने यहां पर कैटेगराइज कर दिया और तुम लोग को यही चीज करनी है ठीक है तुम लोग को अपनी वेबसाइट को साइलो आर्किटेक्चर में तोड़ना है ठीक है अब दैट रियली डिपेंड्स कि वो साइलो आर्किटेक्चर तुम्हारी वेबसाइट के लिए किस तरह बनेगा बनना चाहिए कैसे उसकी एग्जांपल्स मैं तुम लोग को दे देता हूं उसमें दो मेजर एग्जांपल्स हैं उससे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा ठीक है अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो अगर तुम लोग चार कैटेगरीज बनाते हो गोल्फ की सपोज तुम लोग ने रखा हुआ है गोल्फ की निश ने तुम लोग और तुम लोग बोलते हो यार गोल्फ की निश में हम लोग गोल्फ की सारी एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे आ, तो एक होगी गोल्फ बॉल्स तो तुम लोग ने बात कर ली उसके अंदर तुम सारी सिर्फ तुम लोग ने उसके उससे रिलेटेड कॉन्टेंट रखा गोल्फ आयरन्स सेम फॉर गोल्फ बॉल्स एंड सेम गोज फॉर गोल्फ पैर ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ एस यू विच नो वन टॉक्स अबाउट विच इज रेलिवेंसी जो मैंने अभी तुम लोग को समझाया तुम लोग को यह समझने की जरूरत है और अपने दिमाग में बांध लो किसी भी तरह कि अगर तुम लोग को गूगल को रेलिवेंसी देनी है तो तुम लोग को साइलो आर्किटेक्चर एडोप्ट करना पड़ेगा और तुम लोग को अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर क्यों उसके ऊपर ही रखना होगा सो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग आर्किटेक्चर कंटेन्स थ्री मेन कैटेगरी जो इसमें तीनों कवर होती है वेबसाइट का स्ट्रक्चर तुम लोग को क्या रखना है जहां पे बेसिकली वेबसाइट जब तुम लोग स्ट्रक्चर करने जा रहे हो तो तुम लोग को अपना साइट मैप दिमाग में रखना होगा एक दूसरा कंटेंट किस तरह तुम लोग का जा रहा होगा तुम लोग ऐसी बात है यहाँ पे कॉन्टेंट के आइडियाज यहाँ पे लिखे हुए मैंने तभी मैंने एक एग्जाम्पल तुम लोग के सामने यहाँ पे रख दी और तीसरा एस के इसमें एस एस सीओ की भी है कॉन्टेंट भी है ठीक है नाउ ये एक्सेलफ एक एसईओ का बहुत बड़ा कांसेप्ट है एंड नो वन नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट मैंने तुम लोगों को एक बात बताई और तुम लोग मुझसे ये बात अभी भी बोलो मैं तुम लोगों को बताता हूं हम लोग के पता नहीं कितने 250 से 300 में भी 400 ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते वक्त एक साल के अंदर अंदर ही उन 250 से लेके 400 कीवर्ड्स को Google के फर्स्ट पेज एक्सक्यूज <coughs> मी गूगल के फर्स्ट पेज और फर्स्ट पेज में भी फर्स्ट थ्री रैंकिंग्स के ऊपर लेके आए थे no, मतलब कोई टोटका नहीं है कोई इसके पीछे कोई वो नहीं है कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस हमने सोचा और हमने बोला कि यार बस बैकलिंक्स बिल्ड करते रहो और ये काम हो जाएगा मेरा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है इसका सिर्फ एक तरीका है वो ये कि तुम लोग ने सही है डोमेन अच्छे डोमेन अथॉरिटी लिंक्स के ऊपर तुम लोग के बैक लिंक्स बिल्ड होने चाहिए उसके ऊपर भी साइंस है वो भी मैं तुम लोग को समझाऊंगा लेकिन पहले लेट्स टॉक टॉक अबाउट दिस रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए तुम लोग को हर चीज को सही जगह पे कैटेगराइज करना है और तुम लोग कैटेगराइज नहीं करोगे तो तुम लोग अपनी उम्र गुजार दोगे उसको रैंक करने में एंड दैट इज वॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू बेसिकली अपने पूरी वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या रखना है मतलब इन टॉपिक्स के ऊपर सही है और वो कंटेंट कंटेंट पे लिखते रहते हैं और वो ये बोलते रहते हैं सर हम लोग रैंक नहीं कर पा रहे हमें समझ नहीं आ रहा क्यों द ओनली रीजन हम लोग रैंक हुए क्योंकि अगर तुम यू गो बैक टू माई फर्स्ट टू लेक्चर जहां पर मैंने तुम लोग से बोला था कि मैं हम लोग मैं तुम लोग को ये बताया था कि जब हम गूगल पे जाते हैं तो मैंने ये देखो डोटा टू लैग

ठीक है क्यों क्योंकि हम लोग ने सेम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी है यही चीज है else, जिसको हम बहुत करा। हाँ, एक बार हमने ये सारी चीजें कर ली फिर हम लोग ने बैकलिंक्स के ऊपर भी फोकस करा और हमने कोशिश करी भाई रेलिवेंट बैकलिंक्स मिले सारी चीजें मिले हैं फिर हमने उस तरफ भी गए ठीक है तो एक चीज तो ये हो गई या <coughs> सो <Yeah. So, coughs> रेलिवेंस ऑफ द साइट इज डिटर्म बाई टू मेन फैक्टर्स लिंक दैट पॉइंट सही है के दूसरी वेबसाइट कौन सी ऐसी जो बेसिकली उस वेबसाइट की तरफ लिंक कर रही है एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंड द ऑन साइट कॉन्टेंट ऑन साइट कॉन्टेंट के बारे में अभी तक मैं तुम लोग से बात करा था अभी तक जो मैं तुम लोग से बात कर रहा था वो ऑन साइड कॉन्टेंट था जो कि साइलो आर्किटेक्चर की और दूसरा क्या है वो है लिंक दैट पॉइंट टू इट मतलब वो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स हो सकते हैं ठीक है तो वेब मास्टर्स टेन टू ओवरलुक द फैक्ट बिकॉज दे थिंक स्क्रैम्बलिंग लिंक्स फ्रॉम हायर अथॉरिटी वेबसाइट गेटिंग देयर कॉन्टेंट ऑनलाइन विल गेट देम रैंक एंड गेटिंग देयर कॉन्टेंट ऑनलाइन मतलब आर्टिकल्स फेंकते रहो नंबर वन वो ये समझते हैं नॉट ऑल आई एम दस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू वो ही समझते कंटेंट फेंकते रहो बस अच्छी डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट से जो है ना उठा के अपने आप को लिंक पहुंचाते रहो खत्म होगी कहानी का हमारा काम हो गया ऐसा नहीं है अभी मैं तुम लोग को एग्जाम्पल दिखा देता हूं टॉपिक्स नीड टू फॉलो इन रेलिवेंट लिंकिंग नेम टूगेदर विल नॉट क्रिएट रेलिवेंस मतलब एक बात याद रखना तुम लोग और, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग बेस्ट गोल्फ आयरन्स को लिंक करा दोगे बेस्ट गोल्फ बॉल्स चीप गोल्फ बॉल से या बेस्ट गोल्फ बॉल से तुम तो लोग बोलते हो कि यार मैं एक काम करता हूं मेरे बेस्ट गोल्फ आयरन ट्वेंटी ट्वेंटी रैंक कर गया गूगल की रैंकिंग पे जरा जरा सुनते रहो और से मैं लिंक जूस भेजता हूं मतलब मैं ट्रैफिक भेजता हूं बेस्ट गोल्फ बॉल्स को दिस विल क्रिएट इनरेलीवेंसी अगर तुम लोग को लगता है कि सिर्फ ट्रैफिक ही सारा गेम है देन दिस विल क्रिएट ह्यूज इिवेंसी और ये तुम्हारी रेलिवेंसी जो क्रिएट हुई भी होगी इट्स सेल्फ ऑन गोल्फ आयरन एंड जो यहां पे जो जिस भी टॉपिक के ऊपर तुम लोग ट्रैफिक भेज रहे हो वो डाइल्यूट हो जाएगी वो रेलिवेंसी भी डाइल्यूट हो जाएगी लिंक टॉपिक्स अमंगस्ट ईच अदर विद इन दिस कैटेगरी मेक्स लॉट ऑफ सेंस अब तुम लोग बोलते हो लेकिन सर अगर मैं फिर भी चाह रहा हूं कि गोल्फ बॉल्स मेरा पहले मैंने कैटेगरी बनाई और इसके ऊपर मैंने सारे कीटेगरी स्टार्ट हुई है और इसपे मैं अभी रैंक नहीं करवा पा रहा हूं और इसपे टाइम लग रहा है तो पहली बात तो टाइम लगेगा लेकिन अभी इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे मेरे इस टॉपिक को याद रखना टाइम लगेगा कितना लगेगा क्यों लगेगा अभी इस बारे में बाद में बात करूंगा लेकिन इस तक पहुंचाने पे इस कैटेगरी पे पहुंचाने का सर कोई तो तरीका होगा उसका तरीका सिर्फ एक है वो मैं बता देता हूं बिल्कुल एक आसान अल्फाजों में लंबा नहीं करूंगा इसको गोल्फ बॉल्स और गोल्फ आयरन्स के बीच में एक थर्ड पार्टी एक मतलब एक और लैंडिंग पेज होना चाहिए एक और लैंडिंग पेज होना चाहिए मतलब सपोज इन चारों के बीच में एक और लैंडिंग पेज होना चाहिए जहां पे ये चारों कैटेगरीज एनलिस्ट हुई भी हो और फिर यूजर गेट्स टू सेलेक्ट ऑन विच कैटेगरी दे वांट टू गो ऑन डू नॉट डू दिस प्रैक्टिस गोल्फ आयरन फॉर सेल को लिंक कर रहे हो गोल्फ बॉल्स फॉर सेल से ऐसा नहीं करना ठीक है ओके आगे चलते हैं यार अभी मेरे ख्याल ये है कि तुम लोग अब थोड़ा टॉपिक के ऊपर फोकस कर लो खैर अच्छा अब आ जाते हैं इनबाउंड लिंक्स इनबाउंड लिंक्स वो होते हैं जो आप को दूसरी वेबसाइट से अपने पास मिल रहे होते हैं अब मैं ये बात करता हूं कि तुम्हारी पेट की निश है और पेट की निश में तुम लोग लिंक्स उठा रहे हो न्यूज बिटकॉइन और गोल्फ से which is highly highly irrelevant this will create irrelevancy as well maine do points bole on site content silo architecture dusra jo tumhare links hain jo tumhari website ki taraf point kar rahe hain dusra this is relevant Inbound links आ रहे हैं तुम्हारी pet की website से उन domain authority website से जिनकी high है सिर्फ high नहीं है वो सही कैटेगरी से आ रही हैं तुम्हारे पास कैट्स डॉग्स एंड पैरट्स एंड सिमिलरली वी टॉक अबाउट जो आउट लिंक्स जा रहे हैं तुम्हारे पेट से वो कैट फूड अवेलेबल ऑन एमेजॉन डॉग कॉलर अवेलेबल ऑन एमेजॉन कैट कैरी बैग्स जो तुम लोगों ने सॉर्ट ऑफ कैट कैरी बैग्स देखे होंगे या पेट कैरी बैग्स की बात कर लेता हूं अवेलेबल ऑन एमेजॉन दिस इज the relevant structure of building links ठीक है ये बात मैं तुम लोगों को जितनी आसान अल्फाजों में समझा सकता हूं ना फिलहाल मैं उतनी आसान अल्फाज में समझा रहा हूं ठीक है obviously नहीं 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 नहीं, वेट आउटबाउंड लिंक्स आर इंपॉर्टेंट व्हाई रैंकिंग में किस तरह हेल्प करते हैं तुम्हारे आउटबाउंड लिंक्स यहां पे pets की साइट खोली हुई है और आउटबाउंड तुम्हारे जा रहे हैं आई डोंट नो मतलब आ, मतलब

अगर तुम ये बोलते हो कोरोना वायरस के क्या पेट के थ्रू फैलने का खदशा है कि नहीं तो मे भी वो रेलिवेंसी क्रिएट कर दे फिर भी अगर तुम न्यूज की बात कर रहे हो लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ की तुमने साइट खोली हुई है और तुम सिर्फ कोरोना वायरस की तुम वो बता रहे हो कि भाई आज टोटल पूरे दुनिया में कितने हो गए दैट वुड ऑटोमेटिकली क्रिएट इन ठीक है और तुम या किसी ऐसी साइट की तरफ भेज रहे हो कि यू नो अगर पेट की साइट है वहां पे तुमने आउटबाउंड आउटबाउंड लिंक तुम्हारा जा रहा है कि वर्ल्डोमीटर पे देखें कोरोना वायरस के आज कितने केसेस हैं दैट्स इररिलेवेंट रेलेवेंस ही नहीं है ना तो यू हैव टू कीप इट रेलेवेंट अब आगे और डिटेल में बात करते हैं आज वो। कीपिंग ऑफ वेबसाइट रेलेवेंट टू द टॉपिक गूगल लुक्स एट टू थिंग्स अमंग हंड्रेड्स ऑफ अदर फैक्टर्स व्हेन इट रैंक्स अ साइट फॉर अ कीवर्ड

लेकिन अगर तुम सिर्फ वन रह वन के ऊपर फोकस करते हो टू पे फोकस नहीं करते जो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा तो तुम रह जाओगे फिर से यू हैव टू फोकस ऑन बोथ थिंग्स हैंड इन हैंड रेलिवेंस ऑफ द साइट एज अ होल एंड रेलिवेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल पेज टू द कीवर्ड तुमने बात करी बेस्ट गोल्फ बॉल्स की तो वो गोल्फ बॉल्स की कैटेगरी के अंदर आएगा ना साइलो क्रिएट करा हुआ है तुमने गोल्फ बॉल्स का उसके अंदर सब टॉपिक्स है जैसे कि बेस्ट गोल्फ बॉल्स और तुमने उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर अपनी कीवर्ड डेंसिटी और एल एस आई की के थ्रू उस खास वर्ड को बार बार मेंशन किया हुआ है ऑब्वियसली डोंट मेक इट टू स्पैमी मैं तुम लोग को कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर पहले थोड़ा सा बता चुका हूं आगे और आगे जाके बताऊंगा विच मीन्स इफ यू वॉन्ट टू रैंक बेस्ट गोल्फ बॉल्स इन एडिशन टू लिंक्स

ग्रुप क्लोजली रिलेटेड कैटेगरी फॉर ग्रेटर टल रेलिवेंस एक चीज दूसरा रेलिवेंट फॉर ग्रेटर ओके सब टॉपिक्स अब ये मैं तुम लोग को एक और बात बता देता हूं मैंने असल में साइलो आर्किटेक्चर के बारे में ये बेसिकली साइलो आर्किटेक्चर ना इज अ स्टार्ट टू अदर टॉपिक्स विच इज एस बेसिकली स्टार्ट है एडवांस एस में हम लोग अभी नहीं आए हैं यह स्टार्ट है वेबसाइट आर्किटेक्चर सेल्फ तो यह तुमको दोनों में क्लैरिटी दे देगा इच साइलो शुड है ठीक है each silo should have at second each silo should have at least 25 to 30 pages each subtopic should have sufficient interest so that you can have at least 25 to 30 pages and use keyword planner I think I've made a small mistake over here sorry I think it was. This is उ इट इज असल मेंस yes, ये एल एस आई के बारे में मैं को पहले बता भी चुका हूँ। मैं तुम लोग को एक वेबसाइट भी निका, निकाली थी अगर तुम लोग को याद हो आई थिंक मेरा पहला लेक्चर था या सेकेंड लेक्चर था एल एस आई

आई एम श्योर ये मैंने तुम लोग को वेबसाइट दिखाई एंड सम ऑफ यू माइट अग्री एज वेल इसके ऊपर ले सपोज और एल एस आई के ऊपर मैं और बात करूंगा अभी ये सिर्फ मैं तुम लोग को सरसरी अभी मैंने तुम लोग को बताया है ठीक है ये मैं तुम लोग को सिर्फ एक वो दिया है और अगर तुम लोग को इसका लिंक चाहिए तो बता दो मैं इधर दे देता हूं तुम लोग को इससे तुम लोग के और बहुत सारे फ्रेजेस uh, भी निकल आएंगे ठीक है बहरहाल अभी एल एस आई के ऊपर मैं और बात करूंगा दिस, लेकिन इस सेशन में मैंने सिर्फ तुम लोग को सिर्फ एक आइडिया दिया है मैंने तुम ठीक है ईच सब टॉपिक शुड हैव सफिशिएंट इंटरेस्ट सो दैट यू कैन हैव 25 टू 30 पेजेस और यू कैन राइट ऑन 25 और 30 थर्टी डिफरेंट टॉपिक्स ठीक है Use Keyword Planner grouped Ideas section to hunt subtopics. Each group can be handled as a subtopic for your silo. ठीक है? अभी मैं तुमलोगों को बता देता हूँ एक silo architecture मैंने तुमलोगों को ऊपर example दिए silo architecture की subtopic की selection तुमलों को कैसे करनी है हर silo के अंदर और फिर तुमलों how you can go about writing so many different content generating so many different content ideas for one particular subtopic even ठीक है?

अच्छा लेकिन कभी कभी ना ये गूगल की है कि तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। तुम लोग को कीवर्ड निकालने में ना आई मीन सॉरी सब टॉपिक्स को निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कैसे

अह कीवर्ड प्लानर अब अच्छा अब मैं जो ना मैं निश नहीं लिखूंगा मैं निश नहीं लिखूंगा मैं सबसे एक ब्रॉडर फ्रेज वो लिखूंगा जो निश मैं नहीं समझता मतलब इट कैन बी अ निश गोल्फ कैन इज अ बट निश को मैं तुम लोगों को आज एक एक स्लाइड दे रहा हूं ताकि तुम लोग समझ जाओ काफी लोगों को ना निश को लेके एक कंफ्यूजन uh, है के क्या है निश मतलब निश इज स्पेसिफिक इज इट्स ब्रॉड इज इट माइक्रो वट इज निश एग्जैक्टली और मैं कैसे सेलेक्ट करूं कि वो ब्रॉड है या स्पेसिफिक है या माइक्रो है वो ये रहा जनरल टॉपिक हेल्थ हो गया हेल्थ के अंदर निश क्या हो गई ब्रॉड निश वेट लॉस स्पेसिफिक निश क्या हो गई गेट रेड ऑफ गेट रेड ऑफ लव हैंडल्स नो कैसे क्या देखे हेल्थ है फॉर एग्जांपल जनरल टॉपिक एक्सरसाइज है स्पेसिफिक निश क्या है गेट सिक्स पैक एब्स माइक्रो निश क्या है सिक्स पैक एब प्रोग्राम ठीक है तो ये ये भी मैंने तुम लोग को बता दिया ताकि तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाए जब तुम लोग निश सिलेक्शन कर रहे हो तो तुम लोग कैसे कर सकते हो अभी फिलहाल गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके मैं एक ब्रॉड निश लिख रहाऊंगा व्हिच इज गोल्फ

लेकिन मैं तुम लोग को रेलिवेंट्स वाली बताता तो गोल्फ आयरन देखना अगर तुम लोग को नजर आए गोल्फ आयरन तुम लोग आई होप तुम लोग को पता हो गोल्फ आयरन क्या चीज होती है कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी पता हो मुझसे पूछ लेना गोल्फ स्विंग है हमारे पास ठीक है एक ऐसा थोड़ा रेलिवेंट टॉपिक बल्कि काफी रेलिवेंट ठीक है और उसके अलावा क्या हो गया नीचे क्यों हमारा गोल्फ ग्रिप्स के ऊपर सोच सकते हैं हम लोग गोल्फ आयरन एक बहुत आई एम सॉरी यहाँ पे था गोल्फ क्लब नहीं गोल्फ बॉल्स ये देखो अब इसको मैं जब खोलूंगा तो इसके अंदर क्या आ गया गोल्फ बॉल्स आ गया ब्रिज स्टोन गोल्फ बॉल्स आ गया कैलवे गोल्फ बॉल्स आ गया ये बेसिकली ब्रांड्स भी हैं तो इसको भी तुम कर सकते हो ठीक है थ्री आ, सही है ये आ गया उसके अलावा और क्या रुको अच्छा एक चीज याद रखना एक चीज प्लीज याद रखना ये अट्ठारह की फिगर पे मत जाना ये सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए ठीक है अगर तुम लोगों को कीवर्ड्स निकालने हैं और ज्यादा गोल्फ बॉल से रिलेटेड देन एस एम रश और ए एच रफ्स ये सिर्फ तुम लोग को साइलो आर्किटेक्चर के लिए सब टॉपिक्स निकालने के लिए मैं तुम लोगों को एक हेल्प कर रहा हूं कि तुम लोग इस तरह और ज्यादा सब टॉपिक्स देख सकते हो अपने उस खास साइलो में ठीक है गोल्फ बॉल्स हो गया आ, इसी तरह गोल्फ आयरन होता है ठीक है यहाँ पे आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर यहाँ कहीं होगा मैंने शायद कहीं मिस कर दिया है सही है बट आई एम श्योर आई एम वन हंड्रेड परसेंटर वैसे भी आगे भी कैटेगरी है आगे भी मैं जा सकता हूँ क्या है ये अच्छा अच्छा लेकिन आई एम श्योर वन हंड्रेड परसेंट श्योर की गोल्फ आईर इज पार्ट ऑफ दिस बट राइट नाउ आई एम गैन स्किप दिस ताकि मैं आगे पर गोल्फ बॉल्स है गोल्फ आयरन्स ये रहा ठीक है बेस्ट गोल्फ आयरन्स बेस्ट गोल्फ आयरन्स एंड सो फोर अब एक चीज तुम लोग को और बता देता हूं मैं ठीक है तुम लोग को अगर और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए कि मेरे जो है मुझे निश सलेक्शन करनी है फॉर एग्जांपल या निश सलेक्शन करनी है या मुझे अपने सब टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं या मुझे अपना साइलो अपने साइलो आर्किटेक्चर के लिए साइलो सेलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए मैं तुम लोग को सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ उससे अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती तुम लोग जाओ एमेजोन बेस्ट सेलर्स के ऊपर सबसे पहले ठीक है अब एमेजोन बेस्ट सेलर्स पे जाने के बाद तुम लोग जाओ स्पोर्ट्स एंड आउट नहीं, 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 नहीं। मैं शायद थोड़ा गलत आ गया मुझे असल में पता नहीं कि गोल्फ कहां पर होगा एग्जैक्टली exactly. तो गोल्फ क्लब्स आ गया हम्म एक मिनट अच्छा चलो मैं अभी किसी और कैटेगरी की बात कर लेता हूँ लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ लेट्स मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग से मुझे अगर मुझे मिल जाए अल्लाह करे स्पोर्ट्स एंड हेल्थ देखो कहाँ पर है एक मिनट रुकना यार मैंने अपनी रिसर्च करी हुई थी वो खोल लेता हूँ हाँ एक एक सेकंड रुकना मैं जरा जिम एंड योगा ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च करी थी मैं इस वजह से थोड़ा सा स्पोर्ट एंड फिटनेस ये मुझे लिंक मिल जाए तो मुझे आसानी हो जाएगी अब ये मैंने एम जी बेस्ट सेलर से ही निकाला था असल में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि इसमें बहुत एंड यू जस्ट हैव टू बी कि आप किस कैटेगरी में क्या चीज ढूंढ रहे हो ये देख सकते बेस्ट सेलर तो ही है। yes, में जाते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाने के बाद हमने बोला इज इट आई थिंक इट्स आउटडोर ये हो गया स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जाने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ले सपोज अगर मुझे लिखना है मुझे चाहिए मैं एक निश सेलेक्ट कर रहा हूं और मैं ये बता दूं कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई दिस इज नॉट अ गुड निश्च तुम लोग लिखना है तो लिख तो लो लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत बहुत लो है ठीक है तो लेट्स um, सपोज अच्छा बाय द वे मुझे गोल्फ भी मिल गया यहाँ पे फ्लैटली लेकिन अब ये देखो अब चलो शुक्र है गोल्फ मिल गया मैं एक्चुअली गोल्फ ढूंढ रहा था जबकि मैं अभी तुम लोग को गोल्फ से रिलेटेड दिखा भी नहीं रहा था मैं तुम लोग को जिम और योगा कैटेगरी में दिखा रहा था लेकिन गोल्फ मिल गया तो तुम लोग को बता देता हूँ अब गोल्फ तो मुझे मिल गया अब गोल्फ में मुझे साइलोस चाहिए तो दे आर एंड सब टॉपिक्स मैंने गोल्फ बॉल सेलेक्ट करा Suppose, as one of the silos, और मुझे यहाँ बॉल्स प्रैक्टिस बॉल्स बेस्ट डिस्टेंस बॉल्स टॉप टेन डिस्टेंस बॉल्स समझ रहे हो मुझे यहाँ पे एक आर्किटेक्चर उसका मिल गया तो दिस इज एनदर वे ऑफ हंटिंग डाउन के यार मुझे अपना वेबसाइट का पूरा आर्किटेक्चर किस तरह रखना होगा कैसे क्या क्या चीज कैटेगराइज करनी है तो जिस तरह अगर एमेजोन ने कैटेगराइज करा हुआ है अपनी चीजों को उस तरह तुम भी चीजों को कैटेगराइज कर सकते हो ठीक है गोल्फ में जाने के बाद यू कैन सी देर डिफरेंट एरिया कर सकता हूँ मैं बोलता हूँ चले यार मैं गोल्फ बॉल्स बेच रहा हूंगा दिस इज वन और मैंने तुम लोग को करके भी दिखाया था यहाँ पे ऊपर सही है एंड um, गोल्फ क्लब बैग्स हो गया या गोल्फ बैग्स हो गया सॉरी गोल्फ बैग्स हो गया ठीक है आई डोंट नो इफ दे हैव गोल्फ आइरन्स ठीक है उसके अलावा गोल्फ अपैरल हो गया अपैरल तो होना चाहिए कम से कम क्लोथिंग एग्जैक्टली सही है गोल्फ अपैरलस में आ गया ठीक है और इसी तरह गोल्फ बैग्स हो गए आई डोंट नो गोल्फ गौ, सॉरी गोल्फ बैग्स तो हो गए uh, मुझे ये नहीं पता कि गोल्फ आयरन्स किस कैटेगरी में आएगा शुड बी आदर क्लब्स दीक है तो जस्ट एन एग्जाम्पल इसकी ताकि तुम लोग को अपने उस साइलोज खुद से तुम लोग इसको बना सको ओके नाउ दिस ब्रिंग्स बैक टू एनदर क्वेश्चन नाउ के Build 10 small niches or five small niches with 25 to 30 pages each one each or one large website with 150 to 400 page website. Achha, so I'll I'll give you the answer to this one. The answer is for me, I would pro, I'm not talking about authority websites. Authority website talks about everything. They talk about goals, they talk about

पहला सिंगल लार्ज साइलोट साइट इज बेटर देन साइट क्यों पहला रीजन ये कि अगर तुम लोग सपोज एक साइट को रैंक होने में टाइम लगता है छह से आठ महीने. महीने पे तुम गूगल के पेज वन या पेज टू या सपोज पेज वन के नीचे कहीं पे तुम लोग ग्लाइ कर रहे हो ठीक है छ आठ महीने लगे तुम लोग ने रैंक करा गूगल ने तो छह से आठ महीने में क्रॉल करना स्टार्ट करा और उसने बोला कि सही है यार ये साइट स्पेशल है और ये सिर्फ और सिर्फ गोल्फ बॉल्स के बारे में बात करती है नथिंग एल्स तुम लोग की वेबसाइट का नाम है सपोज तुम सिर्फ गोल्फ बॉल्स के बारे में बात कर रहे हो गे. और तुम लोग ने सिर्फ और सिर्फ गोल्फ बॉल्स गोल्फ बॉल्स के बारे में बात, बात करना स्टार्ट करी ठीक है अब होता है क्या है गूगल तो मैं रैंक कर देगा गूगल तुम्हें अथॉरिटी देगा और तुम्हें बोलेगा कि इस वेबसाइट के पास अथॉरिटी है ये ज्यादा नॉलेज रखता है अबाउट गोल्फ बॉल्स और मैं इसको पहले पेज के ऊपर रैंक करना चाहूंगा गूगल तुम्हें देगा इस चीज के ऊपर एंड By the time when it starts ranking you to the first page, तुम अपनी दूसरी वेबसाइट खड़ी करना शुरू कर दोगे and that would again take another six to eight months, unless के तुम्हारे पास कैपेसिटी हो कि तुम एक साथ पांच वेबसाइट या तीन वेबसाइट खोल के उनको रैंक करवाना शुरू कर दो दैट 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 इज 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 ओके फाइन बट अगर तुम लोग ये सोचते हो कि पहले मैं एक साइट को रैंक करूंगा छह आठ महीने में फिर दूसरी साइट को रैंक करूंगा छह आठ महीने में फिर तीसरी साइट को रैंक करूंगा छह आठ महीने में एंड सो एंड सो फोर्थ और मैं करता जाऊंगा रैंक तो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें सिर्फ टाइम तुम लोग का कंज्यूम ज्यादा हो होगा

पहले छह महीने लगाऊंगा मैं कि मैं गोल्फ बॉल्स और गोल्फ बैग्स के बारे में लिखूंगा तुम लोग ने छ महीने में लगाए और तुम लोग ने वो रैंक कर दिया अब जब तुम लोग उसी के ऊपर यहां पे ये देख लो मैंने क्या लिखा हुआ थिंक ऑफ इट एज एन एक्सटेंडेड प्लान फॉर योर वेबसाइट ठीक है और होना भी चाहिए हर वेबसाइट का एक एक्सटेंडेड प्लान होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि एक वेबसाइट अपने डेड एंड पे पहुंच गई और अब तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने करना है क्या है उसके साथ ठीक है एक एक्सटेंडेड प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए एक्सटेंडेड प्लान होना चाहिए तुम लोगों ने सोचा आज मैं सिर्फ इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जब ये रैंक हो जाएंगे फिर मैं तीसरा चौथा पांचवा साइलो और ले आऊंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर और उनके ऊपर भी मैं बात करना स्टार्ट कर दूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर तुम लोग अपने नेविगेशन बढ़ा देते हो और तुम लोग उसके ऊपर मजीद सब टॉपिक्स ले आते हो उन साइलोस साइलोस नए के अंदर इससे हो गया क्या इससे फायदा क्या है? जहां तुम्हारी वेबसाइट आठ महीने में रैंक हो रही थी वहां तुम्हें अब नए साइलोस लाके मैक्सिमम टाइम चार छह महीने लगेंगे चार महीने हो सकता है तीन महीने भी लगे लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा क्यों क्योंकि गूगल की नजर में वो वेबसाइट ने अच्छी अथॉरिटी गोल्फ के इक्विपमेंट्स के ऊपर बना ली है गूगल को पता है कि भाई ये गोल्फ के इक्विपमेंट्स के ऊपर बात करता है और ये जब बात करता है लोग पसंद करते हैं लोग पसंद करते हैं इससे जा फिर मतलब आउटबाउंड लिंक्स की तरफ भी जाते हैं इसको रीड भी करते हैं इसका पेज टाइम भी अच्छा है सारी चीज अच्छी है तो गूगल ये फिर नए जो तुम्हारे पेजेस बनेंगे ना उनको भी पहले से ही कुछ अथॉरिटी दे देगा वो बोलेगा नहीं यार मैं जानता हूं कि ये जो बात करता है ये सही करता है हाँ थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी उन नए साइलोस को रैंक करने में लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा जितना एक नॉर्मली एक वेबसाइट को रैंक करने में लगता है ठीक है या दो दे हैव टू टू बी योर मेन है तुम्हारी नेश गोल्स के बारे में यू गाइज कैन नॉट गो अबाउट टॉकिंग अबाउट गोल्स के बारे में आज बात कर रहे हो एकदम तुम लोग चले गए आ, देखो मैं बताता हूं मैं तुम लोग को एक और एग्जाम्पल देता हूं ठीक है ऐसा नहीं है मैं तुम लोग को एक और बात बस बताना चाह रहा हूं ऐसा नहीं है कि कोई और वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती जो लेट्स सपोज मैं गैजेट्स की बात कर लेता हूं क्या तुम लोग ये बोलोगे कि गैजेट्स एक निश है ब्रॉड निश है लेकिन गैजेट्स के अंदर हम तीन चार कैटेगरीज बड़ी रख सकते हैं कैन वी से दैट तो मैं तुम लोग को एक वेबसाइट दिखाता हूं आ, ये दूसरी साइट है ये एक तो ये मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ एक बात कर रहा एक वेबसाइट मैंने कल परसों देखी थी आई होप दे आई कैन फाइंड इट ठीक है एक सेकंड रुकना मैं जरा आ, मैं अपने डेस्कटॉप पे देख के आ रहा हूं मैंने डेस्कटॉप पे वेबसाइट का नाम लिख लिया तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर मिनट हाँ जी तो मैं वो तुम असल में दूसरे कंप्यूटर से बैठ के मैंने अपने आपको लिंक भेजा है ये दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को ठीक है अच्छा अब इसको देखो तुम लोग ये वेबसाइट देखने में तुम लोग बोलोगे कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन ये है कि ये वेबसाइट मुझे दिखने में अच्छी एज सच मतलब होता है ना कि बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल

इसने अपने आप को तीन चार साइलोस में तोड़ा हुआ ड्रोन गेमिंग मीडिया एंड हैंडी गैजेट चलो मीडिया को छोड़ दो मीडिया पता नहीं क्यों डाला इसने मुझे समझ नहीं आया किस चीज का मीडिया ये? अच्छा, ओके सो ओवरऑल लैपटॉप कैमराज वगैरह सो या सो ड्रोन और मैं तुम्हें ये बता दू ये बात मैंने तुम लोग से कर दी मजेदार बात यह है कि ये वेबसाइट जो है ना बहुत सारे मेजर की के ऊपर नंबर मतलब फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है नंबर पे पे रैंक रैंक नहीं कर रही, कर रही रही फर्स्ट पेज है और कुछ पे सेकंड पेज पे भी रैंक कर रही है मैं समझता हूं कि इसका ओनर इस वेबसाइट को बेहतर कर सकता है देर लॉट ऑफ रूम ऑफ इंप्रूवमेंट कि जो ये कर सकता है और इसको बेहतर करके इसको रैंक कर सकता है ठीक है मैंने बेसिकली गेमिंग में देखा था ये गेमिंग में कुछ कीवर्ड्स के ऊपर नंबर नंबर वन पेज पे आ रहा था नंबर वन रैंकिंग पे नहीं नंबर वन पेज पे आ रहा था टॉप फाइव बेस्ट लॉजिटेक गेमिंग कीबोर्ड पर न्यू नहीं तो, माउस टॉप तो टेन तो गेमिंग माउस आई थिंक टॉप टेन गेमिंग माउस पे शायद आ रहा मेरा ख्याल है एक मिनट रुकना कहाँ चला गया गैजेट्स अगर इस पर नहीं आ रहा तो सेकंड पेज पे आ रहा होगा सेकंड पेज पे सेकंड पेज पे और ज्यादा लाइक इन द ठीक है तो मैं ये समझता हूं मतलब मेरा ओपिनियन ये ये है कि ये अपनी साइट को अगर सेकंड पेज तक आ गया है, तो बहुत आराम से फर्स्ट पेज पे भी ला सकता है बहुत आराम से ये फर्स्ट पेज पे भी ला सकता है लेकिन आ, मेरा एक और ओपिनियन ये है कि ये अपनी साइट को इसने सही है साइलोट सही करा हुआ है इसने मैक्रोनिश के अंदर इसने मजीद स्पेसिफिक लाइक uh, like थोड़ी ब्रॉड नेशेज रखी हुई हैं और फिर उन ब्रॉड ब्रॉडनेशिज के अंदर इसने स्पेसिफिकली बात करी हुई है लेकिन फिर ये इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से भी ले सकता था मैं अगर हूं तो मैं गेमिंग को एज अ ब्रॉड ब्रॉडनेश लू इन माई ओपिनियन इट्स अ ब्रॉड ब्रॉडनेश और फिर इसके अंदर मैं फिर इसको गेमिंग को लेकिन दिस इज नॉट अ बैड आइडिया दो तुम लोग ये भी कर सकते हो कि गैजेट्स की निच को लेके चलो और उसके अंदर तुम लोग ये करो क्योंकि ये जो टेक्निक अप्लाई कर रहा है ना अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कर रहा है अराउंड uh, uh, ये वही टेक्निक अप्लाई कर रहा है जो टेन बीस कर रहा है मैं तुम लोग को एक बात और बताते चलू क्योंकि मैंने टेन बीस जो साइट है दे अर्न अराउंड अब अभी क्या हालात है मुझे नहीं पता लेकिन छह आठ महीने चलो नौ महीने आठ महीने पहले तक ये वेबसाइट अस्सी हजार डॉलर पर मंथ कमा रही थी ये वेबसाइट और अगर तुम लोग देखो तो ये भी सिर्फ गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और तुम लोग ये भी देख सकते हो कि इनकी ओवरऑल वेबसाइट का लुक एंड फील जो है वो अब इन्होंने देखो ये अब बाकी एरियाज में भी आ गया पहले नहीं था ये ये सिर्फ गैजेट्स के ऊपर बात कर रहा होता था जब ये स्टार्ट हुआ था ना ये सिर्फ गैजेट्स के ऊपर बात कर रहा होता था इसने एक अपना जेनेरिक सा नाम रखा है जब फील हुआ अथॉरिटी करूंगा, करूंगा दे दे और बोले कि नहीं रिव्यूज लिखता है और बहुत रिव्यूज लिखता है तो उसके बाद फिर इसका एक्सटेंडेड प्लान क्या था कि ये बाकी फिर ये अथॉरिटी के ऊपर चला गया इसने बोला कि सही है यार मैं बाकी चीजों भी डालना शुरू कर दूंगा इसने अच्छा करना शुरू कर दिया मैं ये मैं तुम लोग से ये नहीं कह रहा मैं ये मत समझना बोलू कि नहीं यार मैं तुम को अब कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं सिर्फ तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ रहो निश की तरफ मैं नहीं बोलता अथॉरिटी की तरफ जाओ बिकॉज देन मतलब दैट इज टोटली अप टू यू अनलेस यू हैव अ टू ईयर प्लान लेड आउट दो साल का प्लान है सही है एक्सटेंड करके फिर तुम लोग और कैटेगरीज भी डाल लो नथिंग रॉन्ग विद लेकिन अगर तुम लोग ने अपना 500 डॉलर वाला एम रखना है फिलहाल ठीक है, एग्जैक्टली तुम लोग चाहो तो उस रूट पे जा सकते हो दैट इज यहां बिल्कुल तुम लोग जा सकते हो हम लोग अच्छा चलो मैं तुमने को बताता हूं मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं और ये मैं तुम लोग को रियल लाइफ के स्टडी शेयर कर रहा हूं अभी सही है <coughs> हमारी वेबसाइट थी किल्पिंग डॉट कॉम ठीक है हम लोग यहाँ पे पहले जब स्टार्ट हुए थे तो हम लोग सिर्फ ये एप्लीकेशन है जो लैग कम करती है ऑनलाइन गेम्स में ये मैं बता चुका हूं तुम लोग इसके ऊपर हम लोग के पास सिर्फ तीन थी या चार तीन या चार डोटा टू लैग सी एस गो लैग वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट लैग और लीग ऑफ लेजेंड्स लैग सिर्फ ये चार थी हमारे पास ओनली फोर फिर उसके बाद जब हमने लिख लिख के लिख लिख के हम इस पर अदमरे हो गए हमने बोला भाई कोई टॉपिक ही नहीं रहा इसके ऊपर लिखने के लिए हम लोग ने जितने इसके ऊपर टॉपिक्स लिखने थे जितने की वर्ड थे सबको यूटिलाइज कर दिया हमने बोला अब क्या करें हम फिर हमारे डायरेक्टर ने हमें एक नया स्कोप दिया और उसने बोला, अब तुम लोग दूसरे कैटेगरीज में जम्प करना शुरू कर दो फिर हम दूसरे कैटेगरीज के ऊपर जम करना शुरू कर दिया हमने विच इज ओवर वॉच लैग नया गेम आया मतलब ऐसा था कि जिस दिन रिलीज होना था ना ये गेम अब तुम लोग देखो नंबर वन पे बैठे हुए हम लोग ये देख लो अब तुम लोग अपनी आंखों से नंबर वन पे बैठे हुए जबकि ये प्रोजेक्ट डेड हो गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर पिछले डेढ़ साल से कोई काम नहीं कर रहा लेकिन नंबर वन पे बैठे हुए हम लोग अब मैं तुम लोग ये बात बताता हूँ और ये हमारे पास हमारे लिए बहुत कन्वर्टिंग की है मैं जो तो अभी तुम लोग दिखा रहा हूं अभी हाईली कन्वर्टिंग की है हमारे लिए ये ठीक है तो अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि जिस दिन ये गेम रिलीज होना था हम लोग को ये बात पता था क्या सबको ये बात पता है कि ऑनलाइन गेम्स में लैग एक कॉमन फैक्टर है सबको पता है ये बात मैं खास कोई अनाउंस करने वाली बात नहीं जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं हो सकता है किसी का मोबाइल पे भी लैग करता हो ड्यू टू बैड इंटरनेट सर्विस और व्हाट्स एवर ठीक है तो सबको ये बात पता है कि बुरे इंटरनेट या बुरे सर्वर जहां पे वो गेम होस्ट हुआ हुआ है उसकी वजह से गेम में लैग्स आते हैं अब हमने ये सोचा कि जिस दिन जो गेम रिलीज हो रहा होगा ऑफिशियली जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन अभी वो बैटल रॉयल मोड जो है ना वो हुआ रिलीज हुआ है आई एम श्योर काफी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं एक ऑनलाइन गेम है वो रिलीज हुआ है अभी रिसेंट अब जिस दिन वो रिलीज होने जा रहा होगा ना उसी दिन हम इसके ऊपर आर्टिकल रेडी करके रखेंगे एंड द मोमेंट इट गेट्स रिलीज ऑन यूएस यूएस मार्केट जिस पे रिलीज हो रहा होगा उसी टाइम पे हम लोग अपना अपना आर्टिकल लॉन्च कर देंगे उस टाइम पर हम अपना आर्टिकल लॉन्च करेंगे हम लोग ने लैग के ऊपर इतनी बात करी भी होती थी क्योंकि ये हमारे लिए एक नया है और इसके पर बहुत बड़ी एक नया साइलो एक नया साइलो है ओवरवॉच लैग और उसके ऊपर एक बहुत सारी तवील की हम, हमारे जनरेट होते हैं तो होता क्या है द मोमेंट वी लॉन्च इट

इसको एक्सटेंडेड प्लान बता दू मैं तुम लोग को एक्सटेंडेड प्लान भी बता देता हूं अल्लाह करे आ जाए अगर नहीं भी आया तो हम लोग ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी हमारे जब हमने इसके ऊपर अच्छा कमाना शुरू कर दिया हमारे जो डायरेक्टर था उसने बोला अब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे ये देख रहे हो ऑनलाइन स्टोर हमने बोला अच्छा ड्रॉप शिपिंग उस वक्त हमें पता ही नहीं था क्या 2014 के लेट मतलब

लेकिन ये आज से छह महीने पहले बंद नहीं था और इसके पास अभी भी ट्रैफिक आ रहा था तो आई होप hope... अब शायद ना गो। आ रहा उस इसको मैं दोनों तीनों ट्राई करता हूं नहीं चीज को नाइस ये देखो

अब ये वही नाइस आ गए इसी तरह के मैं तुमने को दिखाता हूं एक मिनट ये देखो इसको देखो और ये देखो सेम टाइप नाइफ्स आ गए यहां पर ठीक है ये देख सकते हो बल्कि ये तो सेम ही है ये और ये देखो तो अब क्या करा हमने हमने अब इसको बाय द वे रिफ्रेश हुआ हुआ हमने इस तरह के आर्टिकल्स क्रिएट करे और हमने ब्लॉग के थ्रू ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया अपने स्टोर की तरफ अपने ड्रॉपशिपिंग स्टोर की तरफ दिस वॉज एन एक्सटेंडेड प्लान जो हमने एड करा समझे मेरी बात ये एक्सटेंडेड प्लान है जो एड करा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द रियल डील के हम लोग जो है ना लेक कर, पता, पता ही नहीं था हम लोग को लेकिन उसके बाद हम लोग बैठे और हम लोग जनरेट करे हमने बोला और क्या एरियाज है एक्सटेंडेड प्लान में मैं तुम लोग को और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं तुम लोग को ये भी बता सकता हूँ कि तुम लोग जब रैंक कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो उसके बाद पता करो और कौन से एरियाज जहां पे तुम लोग कमा सकते हो बिल्कुल कमा सकते हो क्लिक बैंक के थ्रू भी कमा सकते हो बट दैट इज योर एक्सटेंडेड प्लान अभी मत जाओ इस तरफ एक्सटेंडेड प्लान है वो क्या कि तुम लोग फिर लिखते लिखते तुम लोग के पास तीन चार कैटेगरी चाहिए है Amazon की पूरी हो गई तुम लोगों ने कैटेगरी जो मेन कैटेगरीज थी वो पूरी कर ली तो हम लोग क्लिक बैंक की तरफ चले गए गोल्फ से रिलेटेड या मैक्स बाउंटी की तरफ चले गए मैं एक बात कह देता हूँ क्या नजर आता है तुम लोगों को गोल्फ के कैटेगरी में कुछ मिल सकता है तुम लोगों को लेट मी चेक एक मिनट रुकना है जरा लॉग इन करना तुम तो मैं तुम लोग को अभी मैं तुम लोग से ये नहीं कह रहा अपना एक्सटेंडेड प्लान अभी बना लो इस वक्त बना लो दिस इज द राइट टाइम नहीं यार अभी बना लो एक्सटेंड मैं तुम लोग को सिर्फ बता रहा हूं कि तुम लोग किसी भी निश को सेलेक्ट करो अभी सिर्फ प्लान ये रखो कि मैंने सिर्फ इन तीन साइलोस के बारे में बात करूंगा और मैं उस पर बात करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा नहीं समझ आता साठ सत्तर डॉलर का मना रहे हो दो ढाई हजार डॉलर में बेच दो तो, बिक भी जाएगी क्या मसला है ये इंटरनेट के इश्यूज हैं या पता नहीं ये वेबसाइट है मैंने गोल्फ के बारे में बात करी ये देखो थाउजेंड डॉलर कैलवे गोल्फ क्लब्स सही है तो यहाँ पे ये भी चीज आ गई अब ये खैर अब तुम लोग ने क्या करा तुम लोग ने एक लीड पेज भी बना दिया तुम लोग मतलब दैट इज टोटली अप टू यू मैं तुम लोग से नहीं बोला ऐसा करो लेकिन हो सकता है अभी वही बात है कि बहुत ज्यादा ब्रेन स्ट्रॉम करना पड़ेगा मुझे भी यहाँ पे बैठ के कि मैं तुम लोगों को इसकी एग्जाम्पल समझाऊ लेकिन मैं तुम लोग को बताना ही चाह रहा हूं कि एक्सटेंडेड प्लान में बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं ठीक है इवन दो मैं तुम लोग से खुद रेकमेंड ये करूंगा कि स्टार्ट में जब अपनी साइट स्टार्ट कर रहे हो दिमाग में ये ना रखो कि मैं उसको शॉपिफाई भी लिंक करूंगा तो ये भी करूंगा बिकॉज उस वक्त तुम लोग कंफ्यूज हो गए और अंडा घोटाला बना दोगे अपनी पूरी वेबसाइट का स्टार्ट करो स्पेसिफिक रहो स्टे फोकस्ड दो से तीन साइलोस बनाओ या चार साइलोस बनाओ और सोच लो कि मैंने अभी फिलहाल इनके ऊपर फोकस करना है वेन आई एम डन राइटिंग ऑन ऑल द टॉपिक्स फिर तुम लोग के पास ऑप्शन निकलते हैं क्या मैं अपने एक्सटेंडेड प्लान की तरफ जाऊं क्या मैं इस वेबसाइट को बेच दूं क्या और कुछ और ऐड हो सकता है क्या मैं कम्युनिटी आर्टिकल्स की तरफ थोड़ा सा फोकस करूं और, like, uh, और कम्युनिटी लेकिन कम्युनिटी आर्टिकल्स जो होते हैं ना उनका ट्रैफिक इतना होता है इतना होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते तो अगर क्या मैं कम्युनिटी आर्टिकल्स की तरफ जाता हूँ तो क्या वहां से ट्रैफिक जनरेट करके मैं अपने पास उस जीरो को

helps rank this is the key takeaway for you guys siloing r helps rank your website more than it helps organize your website so you need to silo it that's it for today acha okay so you'll we'll take start taking questions now okay

उस पे तुम लोग अपनी अब जनरल है अः तो um, सही है वो मार्क दे देगा तुम लोग को मतलब वैसे भी वो हमारे ईसीबीसी के ग्रुप में शेयर हुआ हुआ तो प्लीज सब लोग वो देख लें और अब करना क्या है देखो अः um, तुम लोग को मैं अभी पीएम्स के ऊपर और क्लैरिटी दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में ठीक है कि तुम को क्या एक्सपेक्ट करना है PMs को पूरी क्लैरिटी है वी वी आर ऑन द सेम पेज एंड एज अ टीम वुड बी हेल्पिंग यू गाइस अचीव योर गोल्स ओवर हियर बट उसमें सबसे ज्यादा मैं ही कर रहा हूँ उसमें मैं प्रेशराइज ज्यादा पीएम्स को नहीं करूंगा इवन दो माशाला ऑल द एम्स आर वेरी एंथुजियाम गोल्स फॉर ऑल ऑफ यू लेक्टेड बट इवन अभी शॉप और किंडल के लिए है रूम, उसके लिए मैं कर लूंगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कोई लॉटरी निकल रही है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे तीन तीन डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं तीनों कोर्सेज का तीनों कोर्स ये तीनों मॉडल्स बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम वन एंड अदर सही है और मेरे लिए तीनों को फोकस लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे पास हर दिन कोई चालीस सवाल बनते हैं और मुझे पता है I'm really apologizing for, from those of you जो मुझे करते हैं हैं बोलते प्लीज आप अपना इनबॉक्स चेक कर ले मैंने सवाल करा हुआ है उस वक्त जिस वक्त मैं आपका वो कमेंट देखता हूँ उस वक्त मैं किसी एक स्टूडेंट के साथ वन मंथ स्टूडेंट के साथ या किसी और बीसी के स्टूडेंट के साथ चैट पे या कॉल पे होता हूँ कॉल पे मैं नहीं लेता बीसी स्टूडेंट्स को अनलेस अनलेस कि बहुत ही कोई एक्सेप्शन हो और कोई चीज ही नहीं समझ आ रही हो अगर मैं वो बात का जवाब मैं कब लेता हूं मैं बताता हूँ टाइम सेव करने के लिए अगर मुझे लगता है कि उस बात का जवाब मेरे वॉइस नोट से नहीं आंसर होगा और वो एक लंबी तवील बात जाना जरूरी है बिकॉज बिल्कुल ही खराब हुआ वो प्रॉबेबली चीजें मैं एंटरटेन कर भी नहीं रहा वो सौ में से एक केस होता है तो मैं जाता हूं कॉल पे वो भी हार्डली दो मिनट की सही है एक बात दूसरी बात मैं आप सबको ताकि आप लोग की क्वेरीज हल हो इस वजह से ये मैंने मैंने टीम बनाई है मैंने इस वजह से नहीं बनाई कि किसी को किसी के ऊपर तरजीह हासिल है किसी को किसी के ऊपर तरजीह हासिल नहीं है सब सेम लेवल पर है आ, मेरी हमारी जो पीएम की टीम है उसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं एक्सपीरियंस लोग भी हैं इसमें इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप आओ इस वजह से क्योंकि आप जो है अगर एक्सपीरियंस के लिहाज से हो तो मैं आपको ये बात बताऊं सच बात है माशाल्लाह हमारे इसी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझसे हंड्रेड परसेंट गुना ज्यादा नॉलेज है तो प्रॉबली उनको यहाँ पे लेक्चर देना चाहिए था बिल्कुल वो दे सकते हैं ये इसी की मर्जी है कि वो किसको रखें एज अ लेक्चरर यहाँ पे और किसको ना रखें मैंने uh, मुझे सेलेक्ट किया गया आई एम uh, मतलब आई एम रियली थैंकफुल और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट बट क्योंकि जैसे अवैध की बात कर लेता हूं मैं मैं उमेर की बात कर लेता हूं और मैंने तुम लोग को बताया और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है एंड यू गाइज आर ओपन टू गो एंड हैव ओपन विद देम गो डू दैट सही है उनका काम नहीं है तुम लोग के पीछे भागना और तुम लोग के डिलीवरेबल्स पूरे करवाना इट इज ईसी स्पार्ट टू डू दैट तो विच इज वाई आई एम सिटिंग ओवर एंड सिर्फ ये टीम इसलिए से हम लोग ने बनाई है ताकि हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें

काफ़ी अच्छा तरीका जो पता चलता है देखने से वो एक कीवर्ड वॉल्यूम और आपके कीवर्ड डिफिकल्टी से भी पता चलता है ठीक है मैंने तुम लोग को बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी दे दी है एक सेकेंड रुकना ठीक है काफ़ी चीज़ों के ऊपर मैंने तुम लोग को क्लैरिटी दे दी है और मैंने बता दिया है कि भाई देखो कमर्शियल इंटेंट अगर तुम लोग को निकालनी है तो तुम लोग को उसका बेस्ट तरीका ये कि AHS, 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 या एस एम रश यूज करो कोशिश करो कि उसकी कीवर्ड वॉल्यूम तुम लोग निकाल लो देख लो मुझसे कंसल्ट कर लो मैं तुम लोग को बता दूंगा उसके ऊपर अपना से चाहिए है तुम लोग को आ, और कोई तुम लोग के कोई और मेंटोर भी है श्योर गो हैड मुझे कोई मसला नहीं इससे ठीक है बिकॉज मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो जाए लेकिन करूंगा जरूर बिकॉज मैं एक तरतीब से लेके चल रहा हूं अभी निश्च सेलेक्शन के ऊपर देना है फिर कुछ दिन के बाद मैं तुम लोग को की टेम्पलेट दूंगा हाँ लेकिन प्लीज मुझसे बार बार कोशिश करो नहीं पूछो कि किस दिन मिल रहा है किस दिन मिल रहा है बिकॉज काफी सारे लोग तुम लोग जो हो ये सोच रहे हो तुम लोग अपने पेज क्लास से सोच रहे हो यार मैंने कर लिया कब मिलेगा कब मिलेगा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कॉल आ रही होती है वो मुझसे ही पूछ रहे होते हैं कि सर निश नहीं सेलेक्ट हो रही मुझसे यहाँ तक ये भी हो रहा होता है कि सर निश क्या है मुझे सही से बता दे ब्रॉड निश करू मतलब उनका उनको क्लैरिटी नहीं होती ब्रॉड निश स्पेसिफिक निश माइक्रो निश क्या है उनको वहां पे क्लैरिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है अभी वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाए तो इस वजह से मैंने टाइम एक्सटेंड कराया आई होप यू गैस गेट क्लैरिटी आई होप एंड आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड सही है मोतशेम कैन बी यूज आर्टिकल गुलाम यार मैंने अब देखो गुलाम यहाँ पे बैठा हुआ है गुलाम इज Nice uh, जुअलिटी और उसकी क्लास के बाद गुलाम के साथ मेरी मीटिंग वो दोनों चीजें नहीं हो पाई क्योंकि बिकॉज आज कल अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना वायरस का जो मसला चल रहा है इसकी वजह से जो आप लोग ने भी गौर करा होगा आपके कुछ फैमिली मेंबर्स एंजाइटी से गुजर रहे होंगे एंजाइटी से गुजर रहे होंगे माई वाइफ इज गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ एंजाइटी शी इज फीलिंग हाई का भारी कंधे और हर वक्त मतलब बहुत कुछ सही है तो आ, उसका रीजन ये भी है बिकॉज वो अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे स्ट्रिक्टनेस है मेरी तरफ से भी स्ट्रिक्टनेस है वो खुद भी अपने ऊपर रूल्स रखे मैं उसने

But the 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 amount of the products on Amazon are like 200, 250 250 sometimes even, which eventually makes earning target less than. So I would say मतलब 500 तक मैं क्या करू मुझे तो बोला था कि ideally 100 डॉलर हो बिकॉज 100 डॉलर की रेंज में परचेज बिहेवियर कंज्यूमर्स का फ्रीक्वेंट होता है मतलब ऐसा होता है कि आराम से खरीद लेता है इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हाँ यार चलो खरीद लो देखा जाएगा तो चार सौ डॉलर दो सौ डॉलर या डेढ़ सौ डॉलर से ऊपर जाते हैं तो परचेस बिहेवियर थोड़ा लिमिटेड हो जाता है ये होता है कि हर अगर 100 वाले पे मैंने तुम हंड्रेडर को जो क्राइटेरिया दिया है वो दो परसेंट है तो आ, मतलब परचेस बिहेवियर याद है ना तुम लोग को पूरा फनल बताया था दो परसेंट एक एवरेज दे दिया कि भाई दो परसेंट है हंड्रेड डॉलर वाले पे हो सकता है चार सौ डॉलर वाले पे वो दो परसेंट से गिर के वन परसेंट पे आ जाए एक और, तो इसमें क्या करो एक क्राइटेरिया बता रहा हूं एक क्राइटेरिया इसका ये है कि जाओ अपने कॉम्पेटिटर्स को देखो जिन्होंने जो ना अपनी रिव्यू वेबसाइट्स खड़ी करी हुई है उन्होंने तुम्हारे उस की के ऊपर क्या प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करे हुए उन्होंने क्या हंड्रेड डॉलर वाले करे हुए या चार डॉलर वाले करे हुए अगर उन्होंने भी चार डॉलर वाले करे हुए तो फिर इस पे एक और लेयर बनता है क्वेश्चन का और वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं क्या है डी यू गाइज नो कि देयर आर की जो हंड्रेड डॉलर वाले ही आपके प्रोडक्ट होंगे आपकी निश ऐसी होगी कि जिस पे एक पे दो परसेंट होगा कन्वर्जन रेट और एक पे पांच परसेंट होगा कन्वर्जन रेट ऐसा क्यों ऐसा हां सही है एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं पीछे से कंटेंट बहुत रिलिवेंट है बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था जब आप वेबसाइट के ऊपर लैंड करते हो तो आपको वैसी ही इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूं कि आप जब लैंड करते हो तो आपकी जो वो निश होती है कंज्यूमर के लिए वो एक तरह की नीड हो जाती है एट टाइम्स जैसे कि हो सकता है फिटनेस की नॉर्मली जो है कन्वर्जन रेट दो परसेंट हो लेकिन ड्यू टू तो कोरोना वायरस आजकल वो चार परसेंट तक जा सकती है तीन परसेंट तक जा सकती है ड्यू टू डिमांड क्यों क्योंकि पीपल आर स्टेइंग बैक एट होम एक्सरसाइजिंग बैक एट होम ठीक है इसी तरह और चीजें भी आ जाती है डिपेंड करता है वो क्या है तो फिर ये भी मैटर करता है कि हो सकता है ढाई सौ से 300 डॉलर वाली निश्च की जो कन्वर्जन रेट हो वो दो परसेंट हो सकता है एक चीज बस दोनों फैक्टर्स याद रखना जाके देखो कॉम्पेटिटर्स क्या कर रहे हैं इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं ये पता लगा सकूं कि उसकी कितनी बिक रही है

मैं मेजोरिटी में जा रहा हूं मैं माइनॉरिटीज को नहीं देख रहा तो उस लिहाज से कोशिश ये करो कि हंड्रेड डॉलर वाली नशे को पकड़ो ठीक है तो इसका जवाब आई होप मिल गया हो इज दैट फाइन टू गो विथ सच निश मैं तो मैं जवाब दे दिया आई होप तुम्हें मिल गया हो ठीक है पेजेस वर्सेस पोस्ट वर्सेस कैटेगरीज टू कम इन द फ्यूचर स हाउ डू एक्सप्लेन डब्ल्यू पी बिगिनर प्लस विकीपीडिया इंटरनल लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है एंड वॉट अबाउट वेबसाइट गिविंग इंटरनल लिंक लाइक रीड मोर अबाउट गोल्फ बॉल्स आई वुड से कीप इट मेरा देखो आई नो मैं तुम्हें बता दू यहां पर भी तुम लोग का नजर आ जाएगा ठीक है जबकि हमारे नंबर वन पे रैंक हुए हुए <coughs> और हम लोग अपने जो है ना <coughs> ये भी बता दू अपने राइटर को सुनाते थे इस बात के ऊपर हम लोग अपने राइटर को ना इस बात पे सुनाते भी थे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो तुमने जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो नीचे आ रहे होते हैं उस पर तुमने कुछ और रखा हुआ है इस पर आप सही रखा हुआ ये देखो नीचे रिलेटेड आर्टिकल्स देख रहे हो तुम लोग आप खुद देख लो क्या लिखा हुआ है डोटा टू रिबॉर्न लैग रिमेन्सोल्व डोटा टू ओवर ये एक स्टेप ऊपर गए नीचे नहीं गया दिस इज ये सेम लेवल पे दोनों जो इसने लिंक करे हुए सेम लेल पे लिंक करे हुए ये वाला जो इसने लिंक करा हुआ अपने से ऊपर वाले को लिंक किया हुआ सपोज तुमने तुम्हारी जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है वो आ रहा है गोल्फ बॉल्स के ऊपर ठीक है तो तुमने उस उस तरफ लेके चले गए एक स्टेप ऊपर जाने का सोच सकते हो एक स्टेप नीचे मत जाओ और वो भी ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दू लैग नॉट रिकमेंडेड बट यू कैन डू इट नॉट रिकमेंडेड दो तभी मैंने ये पूरा साइलो स्ट्रक्चर बताया तुम लोग को ताकि रेलिवेंसी बहुत ज्यादा क्रिएट हो

और तरतीब से लेके चलोगे तो गूगल आपको पसंद ज्यादा करेगा ठीक है This always level, one से लेके तक, आप कितने factors को मैंने बोला एक slide पर दो तीन चार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें से आप एक आपका आर्किटेक्चर है सो पेज कैटेगरीज टू कम इन फ्यूचर

इसका तुम चाहते हो आई I मीन mean, देखो आई बी टॉकिंग अबाउट वेबसाइट एज अ होल के पूरी कैसे बनाओ तो दैट शुड इंक्लूड एवरीथिंग दैट विल इंक्लूड कैटेगरीज पोस्ट एंड पेजेस यस पेजेस पॉलिसी पेजेस ये पेजेस रिफंड पेजेस सब कुछ पूरी वेबसाइट में बता रहा हूं कैटेगरीज ऑब्वियसली तो कैटेगरीज इट गोज बैक टू द साइलोस आर्किटेक्चर वाली चीज टैग्स वगैरह एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड तो दिस इज ये दिस हैजू बी कवर्ड और येडी इन माई फनल ठीक है ये होगा फॉर दिस वन आई हैव इट आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेशन ठीक है आई राइट इट डाउन समवेयर इनफैक्ट आई मैसेज इट टू माई सेल्फ ताकि मुझे यह याद रहे okay so i'm doing affiliate marketing since 2018 and i started amz affiliate marketing five days ago and sold over $500 worth of goods but some of the affiliate links through amazon on page site stripe okay which, uh, from which buyers bought products doesn't register a sale on amazon does amazon site stripe really work here or we can

क्योंकि ये वाला जो मसला है ना ये मुझे और लोगों ने भी बताया कि इस तरह का इश्यू क्रिएट होता है मैंने कभी इस तरह नहीं करा मैंने डायरेक्टली लिंक उठाया और उसको जना मैंने जो है ना लिंक जनरेटर के थ्रू डाल के कर लिया इफ देट दिस मेक सेंस देन यू कैन गो अबाउट तुमने खुद मेन्शन uh, किया हुआ ठीक है अदर क्वेश्चन रिगार्ड टू दिस रहमान इजी हेयर ओके सो आई जस्ट स्किप टू नेक्स्ट वन अगर तुम्हें तो लगता है कि द आंसर क्वेश्चन इज आंसर्ड ओके चलो मे बी हीज नॉट ऑन हिस्स डेस्क राइट नाउ ठीक है अच्छा सो <clears throat> so,

तो चलो ठीक है यू कैन कंसिडर गोइंग लेकिन फिर कोशिश ये करें कि उनका जो जो बाइंग बिहेवियर हो वो बहुत कंपेरिटिवली ये सोचा जा सकता हो कि हाँ यार ये जरा ज्यादा होगा ताकि इट कैन अमाउंट टू वो कॉम्पीट कर सके हंड्रेड डॉलर वाले टिकट uh, प्राइस <coughs> वाले प्रोडक्ट्स uh, को मतलब जब आपकी ओवरऑल अमाउंट बने तो शुड बी अराउंड दैट फिगर

और इसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मेरी फ्यूचर क्लासेस में मिल जाएगा द फर्स्ट तो पहले वाले का आंसर है वो हाँ हा, यही है यस yes सर और मैं ये भी बता दू मैंने मैंने 2015 में जब एफिलियट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी खुद से अकेले और मैंने तुम लोग को अपना एफिलियेट डैशबोर्ड भी दिखाया था जिसमें आई आई मेड अराउंड डॉलर इन टेन मंथ्स टाइम सही है uh, उसमें जो एफिलियट प्लेटफॉर्म था वो भी मेरा ही था मैं दूसरों का नहीं यूज कर रहा था वो जो एफिलिएट प्लेटफार्म है उस पे मेरे पास लोग आते थे और मुझे पैसे पे करते थे कि ये हमारा Amazon का एफिलिएट uh, लिंक है क्या तुम इसको प्लीज प्रमोट कर सकते हो अपने पेज के ऊपर तो मैं वो करता भी था तो uh, आप कर सकते हो ये बस आपको मेंशन करना होगा गूगल uh, uh, Amazon को कि ये तुम जो अब चैनल्स कौन से यूज कर रहे हो तुम्हें मैं मेंशन करना जरूरी है बिकॉज uh, हो सकता है कि मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन हो सकता है गूगल uh, तो आप टेक तो मतलब, कर दो हंड्रेड डॉलर है बिल्कुल $150 वाली भी है. $150 तक चले जाओ फिफ्टी से लेकर वन फिफ्टी के बीच में सेलेक्ट कर लो 150 से ऊपर का ये है चक्कर के आप ये खुद सोच लो कि उसकी क्वांटिटी कितनी बिक्री होगी क्या आप अपना 500 हंड्रेड डॉलर वाला टारगेट कंप्लीट कर रहे हो बिकॉज उसकी कन्वर्जन परसेंटेज जो है ना वो गिर जाएगी कंपैरेटिवली कंपेरेटिवली हो सकता है दो परसेंट भी रहे क्योंकि उस पर अगर सर्च वॉल्यूम ओवरऑल कम है क्योंकि वो हाई टिकट प्रोडक्ट है तो हो सकता है उसकी दो भी हो लेकिन फिर वो उतनी क्वान्टिटी में नहीं बिक्री होगी मतलब ये भी तो हो सकता है ना भाई दस हजार का सर्च वॉल्यूम है एक कीवर्ड का किसी और द, हजार का जो है वो है कार्डियो मशीन अब कार्डियो मशीन चार सौ साढ़े चार सौ डॉलर की है सही है दो परसेंट कन्वर्जन रेट है लेकिन सर्च वॉल्यूम भी तो कम है और ट्रैफिक भी तो कम है तो आपको फिर ये दिमाग में रखना होगा कि मैं क्या इसके साथ कितना कर पाऊंगा दैट क्या आपका वो ट्रैफिक वॉल्यूम जनरेट करके अगर आप दो परसेंट भी रखते हो क्या आपका गोल अचीव हो रहा है That is the main question. If that is answered, mm -hmm. Haan, hai, ho hai, phe, hai, go ahead with it. Um, and uh, brand name attached with a keyword is also a buyer intent. Haan, it is a buyer intent keyword. Yes. Is that possible to switch this designated PM, for example, if we have better coordination with someone? Uh, हाँ नहीं मतलब यू कैन सेलेक्ट मतलब आई होप यू मीन हाँ नहीं श्योर श्योर जस्ट गो हैड एंड टॉक टू समन बट ये चीजें अलाइन कर लो पहले से कोशिश करो कि ये आ, देखो मैं तुम्हें तो बताता हूं टॉक टू योर पी एम फर्स्ट ठीक है uh, मतलब ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट लेकिन इसमें कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए ठीक है और ज्यादा में बात कर लूंगा you have a legit question. And I, मुझे काफी दोस्तों ने भी मुझसे ये है न, uh, मुझे करा है यही सवाल एग्जैक्टली exactly. ठीक है माई रिकमेंडेडेशन वुड बीट यू शुड गो हेड एंड चेंज एड और इसके ऊपर मजीद डिटेल तो मैं ला दूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर ओके जुजिल्के नैन तुम बेहतर ये है कि बात कर लो यू हैव टू गो ऑन द शीट एंड चेक तुम्हारा पीएम कौन है बात कर लो पहले आई I मीन mean, अपने पीएम से भी बात कर लो और सबको अलाउड है मतलब के पीएम पीएम मतलब जिसके अंडर तुम जाना चाह रहे हो उससे पहले बात करो पहली चीज क्या वो बर्डन और ले सकता है नंबर वन वो अपने अंडर से बर्डन ही कम करेगा ठीक है बिकॉज मैंने क्राइटेरिया रख दिया है वो पांच का वो पीएम को पता है पहली चीज तो ये दूसरी चीज फिर उस ये बोलो कि वो दूसरे पीएम से बात कर लेक ऑन बोर्ड आई एम फ्रेंड्स विद हिम दैट शुड बी द ओनली रीजन सही है दैट शुड बी द ओनली कॉर रीजन टू स्विच प्लीज एंड डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस वेरी सिंपल मैंने बताया तो है अभी शीट पे असाइंड पीएम्स बता दिए सारे शॉपाई के अभी और आने हैं तो अभी मैंने उस वजह से सारे अनाउंस नहीं करे शॉपाई के लेकिन एम एफिलिएट्स के सारे डिसाइडेड हो गए ठीक है ओके कैन यूज लिंक अच्छा इसका जवाब दे दिया हुआ था पी एम्स ये मैंने जवाब दे दिया आसान and uh, when and how can we get the feedbacks regarding the niche selection that would be handed over once we have done our homework for you matlab मतलब, uh, wo wala homework bol raha hu ke main baith hum log baith ke dekhenge ke uh, ek niche ke andar agar saisi baat hai har koi agar मेजोरिटी निशे सेलेक्ट कर ली हैं हम ये allow करेंगे maximum के एक niche के अंदर दो लोग काम करें या एक करें अभी डिस्कशन होनी है इसके ऊपर ये जब शीट आएगी तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा पहली चीज़ दूसरी चीज हम को ये देखना है कि तुम लोग की सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या था तुम लोग की अपनी इसके ऊपर थिंकिंग क्या थी ये समझना है मुझे समझना है मुझे क्यों क्योंकि मैं बैठ के उस नि पर्टिकुलर निश्च को जाके की पे भी देख रहा ये तुम लोग काम है देखना मैं तुम लोग को ये काम नहीं करके दे रहा टूल्स को यूज करना तुम लोग का काम है मैं सिर्फ बैठ के वैलिडेट कर रहा उस चीज को कि हाँ, ठीक है गो बेयर मिनिमम तीन सजेस्ट करो या छह सजेस्ट करो सवाल लिखा हुआ है उसके ऊपर उन तीन छह में से तुम लोग क्या समझते हो तुम लोग को क्या सही लगता है कि इसके साथ मुझे जाना चाहिए अब तुम लोग का सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें क्या है तुम लोग की उसके ऊपर थिंकिंग क्या है क्या ये है कि तुम लोग का इंटरेस्ट लेवल उस पर ज्यादा है या ये है कि तुम लोग बोलते हो कि नहीं यार उसकी जो कीवर्ड्स थे उसके कीवर्ड जितने भी कीवर्ड्स थे उनका सर्च वॉल्यूम भी बहुत हेल्दी है तो और मैं ये समझता हूँ उसके ऊपर साइलोस भी अच्छे बन सकते हैं और मैं ये समझता हूँ साथ में कि आ, आ, उसके मतलब एक तो कीवर्ड डिफिकल्टी भी

एमेजोन के पॉलिसीज में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी एफिलियट साइट नहीं खोल सकते लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ आप अपनी साइट खोल सकते हैं इजाजत भी नहीं दी हुई जब एक रूल नहीं लिखा हुआ तो हम ये कर रहे हैं कि वो इजाजत दे देते इसके ऊपर हम लोग की छह सात बार बात हो चुकी है मैं फिर बता देता हूं एमेजोन पी अगर आप कर रहे हो तो ये आपका अपना रिस्क है कि आप एमेजोन एसोसिएट्स सेम लोकेशन दिखाकर खोलो अगर आपका पीएल का अकाउंट यूएस का बना हुआ है आप पाकिस्तान में बैठे हुए एसोसिएट्स कर रहे हो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी डेंजर है लेकिन अगर आप यूएस में बैठ के ही उधर ही उसी पीसी पे बैठ के ही उसी इंटरनेट को यूज करके आप एसोसिएट्स का इन, भी चला रहे हो अपेरेंटली लुक्स लाइक कोई इशू नहीं है लेकिन पीएल में 25 25 50 पचास हजार डॉलर का स्टेक लगने के बाद स्टेक ये आपका है ये आपका रिस्क है अगर आपको करना है मुझे कल को, को कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर क्योंकि मैं नहीं बोलता आप ये करो आपको बोलूंगा मैं कि फिर आप कहीं किसी और जगह पे बैठ के करो एसोसिएट सेपरेट पीसी सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ सेपरेट रखो उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए पीएल ये मेरा ओपिनियन है इसकी बेस कुछ भी नहीं है मैं इस, बेस इसकी सिर्फ ये है कि आपका बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता कल को सब लोग आके मेरा गिरेबान पकड़ रहे हो बोल रहे हो देखो इसने क्या बात बोली ठीक है आप लोग द क्वेश्चन इज वी विल नॉट डू affiliate और साइन अप Uh, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया तुम ये बोलो कि अगर मैं एफिलिएट लिंक्स नहीं डालू मैं डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट का लिंक डालू राइट right? और फिर रैंक करूं इज दैट वट यू मीन हाँ मैं समझ गया था मैं तो मैं समझ गया था तभी मैंने बोला है, totally मतलब, है बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है मतलब नॉर्मल चीज लग रही है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं लग रही कि आपको लग रहा हो कि यार आप कुछ वायलेट कर रहे हो कोई पॉलिसी नहीं नहीं लग रहा आप एक सिंपल ट्रैफिक भेज रहे हो ट्रैफिक भेजना आप लोग का काम है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पीएल प्रोडक्ट्स के ऊपर राइट ऐसा ही है भाई आप लोगों ही तो ट्रैफिक भेजनी है अपने पीएल के प्रोडक्ट्स के ऊपर और कौन भेजेगा किसी को आप वो थोड़ी करोगे तो अगर आपने ही भेजना है ट्रैफिक तो बिल्कुल आप करो आप भेजना है दैट इज द दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू सेंड ट्रैफिक टू योर पीएल प्रोडक्ट बिकॉज़ तभी तो वो बिकेंगे तो डू इट थ्रू एसईओ बिल्कुल

ठीक है और फिर जब तुम्हें कोई एक मौका मिले कोई ऐसी साइट मिले, मिले तो तुम वहां पे गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर हमारी लंबी बात होगी अभी ये एक और एक और टॉपिक है लेकिन हाँ इफ मुझे नहीं लगता कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं बात कर रहा तो अगर कहीं पे थोड़ा सा एक छोटा सा कोई एस्पेक्ट मिस आउट भी कर दो तो मुझसे सवाल वापस कर सकती हो

प्रॉपर कॉन्टेंट राइटिंग हर रोज दो से तीन कॉन्टेंट लंबे तवील कॉन्टेंट लिखना तो बिल्कुल इसमें यह चीज जरूरी है कि बंदे की इंग्लिश अच्छी हो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी हो बिल्कुल आप हंड्रेड परसेंट ऐसी कर सकते हो गए इस दिन एनी काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन मैं okay. सही है नमाई इस दिन एनी काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री वाइज लाइक यूएस मार्केट और यूके यूरोप मार्केट स देअर एस आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टेंट मतलब अगर तुम अपना जर्मन लैंग्वेज में कॉन्टेंट लगवा रहे हो तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट जर्मन में होनी चाहिए फिर तुम रैंक करो फिर जर्मन मार्केट के लिए यूएस मार्केट के लिए नहीं करो जो तुम एस सी ओ जो सब कुछ कर रहे हो गे तुम इंग्लिश कंट्रीज के लिए कर रहे हो बेसिकली तुम कर रहे हो यूएस के लिए प्राइमरीली उसके बाद यूके फिर uh, I mean, फिर uh, दूसरे हो गए न्यूजीलैंड जो भी uh, बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह कैनेडा जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं फिर वो भी आ जाती हैं राइट साद है कैन वी कॉपी द साइलो स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंपटीटर्स बिल्कुल यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट यू कैन कॉपी द साइलो स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपटीटर्स एज इज नो प्लेजरिज्म ओवर दैट साइलो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं 60 डॉलर्स नेट प्रॉफिट साइट मींस सिक्स प्रोडक्ट्स नाइन नॉट नेसेसरली दैट मींस दैट वेबसाइट इज जनरेटिंग ऑन एन एवरेज ऑफ सिक्स डॉलर पर मंथ हंड्रेड डॉलर के अब उसके बहुत सारी साइट उसके पेजेस रैंक हुए हुए होंगे दैट डज नॉट मीन उसके दस पेजेस है दैट डज मीन के उसके किसी भी पेज के ऊपर आके किसी एट अम किसी कस्टमर ने बाय कर लिया वो प्रोडक्ट तो फिर करते करते अलग अलग पेजेस के ऊपर वो सिक्सटी डॉलर अमाउंट आपके सामने आ गई

देखें अथॉरिटी साइट जो होती है ना वो हर चीज के बारे में बात करती है अथॉरिटी साइट आई डोंट सी इवन ग्रोइंग ठीक है आप कर सकते हो आप मे बी दो साल टू इयर्स डाउन द रोड आप देख सकते हो आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और ज्यादा एक इस चीज को लाइमलाइट में लाऊं और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करूं और आपको कोई केसेस बताऊं या कोई बाकायदा कोई रिसर्च करूं क्योंकि मैंने देखें मैंने किसी को साइलो में नहीं कन्वर्ट करा और सॉरी किसी साइलो साइट को अथॉरिटी साइट में या किसी ने अथॉरिटी साइट में नहीं कन्वर्ट किया मैंने नहीं किया आई एम श्योर देयर आर केसेस इसके ऊपर मैंने आपका ये सवाल ले लिया और अपने पास मैंने ये पेस्ट कर दिया मैं इसको मजीद कन्फर्मेशन करके बताऊंगा लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो जो मैंने आपको बताया कि आपने गोल्फ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल या आपने गैजेट्स के ऊपर बात शुरू करी और आप एक एक करके उसके ऊपर पॉपुलेट करते जाओ कैटेगरी गैजेट्स की ही सही है ये जरूर आप कर सकते हो ये कन्फर्मेशन दे सकता हूं फ्रॉम निस्ट टू अथॉरिटी इसका मुझे नहीं पता मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको ठीक है क्योंकि ये मैंने पर्सनली नहीं करता ठीक <coughs> तलहा का सवाल है प्लीज रिकमेंड साइट फॉर टूल्स यू मीन टूल्स फॉर साइट्स राइट एच रेफ एस रश तो मैंने बताया हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कहाँ से आप लोग कर सकते हो इसको सब्सक्राइब uh, एसयूआरडीपी uh, और दूसरी साइट्स वो

टिकट सिस्टम या कोई एक शीट बना लेंगे उस पर अपना सवाल डंप कर दो और फिर हफ्ते हफ्ते या दो दो हफ्ते में दो दो हफ्ते बहुत ज्यादा लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जवाब देता रहूं लेकिन अभी मैं आई एम टू ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग जो मैं तुम लोग को देना चाह रहा हूं आम, लेकिन मैं कुछ कर लेता हूं इसका तुम लोग के लिए ही ठीक है वुड यू लाइक उस ये तो हो गया शोएब का सवाल है शोएब ये सवाल है These are the, जो ये वो है ना कि आप किसके ऊपर आप अपनी साइट का नाम नहीं रख सकते ये भी डिपेंड करता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज दैट राइट शोएब बिकॉज अमेजोन की ये पॉलिसी भी है कि आप एमेजोन का नाम नहीं यूज कर सकते इन योर डोमेन क्योंकि वो फिर ये दिखाएगा जैसे वो शायद रिप्रेजेंटेशन को लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि एंड गाइस ये ले लो ये अच्छा शो अपने लिंक शेयर करा है Yeah, I understand Thanks for sharing. <clears throat> okay. मसूद <clears throat> का एक सवाल है thousand वर्ड आर्टिकल आई वुड से मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ मैं अगर एल एस आई यूज करूंगा तो मेरा एक प्राइमरी की वर्ड होगा एक आर्टिकल पे और फिर सेकेंडरी की वर्ड जो है ना मैं एल एस आई से प्रॉब्लम भी निकाल लूंगा लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं अपना बता रहा हूँ मतलब यही हम लोग ने अपने पिछली साइट्स वो साइट्स के ऊपर भी करा है ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सही स्ट्रेटी है मेरा ख्याल नहीं है आ, क्योंकि मैंने करी नहीं है हम लोग एक बस एल एस आई से निकालते थे कोई और कीवर्ड और उसको हम लोग इनकल करते हम लोग बस दो चीज रखते थे प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड दैट्स सेट नथिंग एल्स एंड वुड इट काउंट इज कीवर्ड स्टफिंग आई डिपेंड्स हाउ यू यूज इट बट यस आई थिंक आई थिंक इट वुड नॉट बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस इट्स माय इट्स माय ओपिनियन बट मुझे अगर देख जाए एक ऐसा कोई आर्टिकल और मैं पढ़ूं बैठ के तो फिर मैं उसको ज्यादा आराम से हाईलाइट कर सकता हूं Uh, if I write different content centered around the same Amazon product, for instance, writing an affiliate review article and how to keep the product well maintained, but I include the same product link in the content. Oh, same product, Same product link in the content. Do you mean the affiliate link? Masood, do you mean the affiliate link? पूरा वो लिखा है तुमने, article, एक के बारे में, और उसी का तुमने लिंक एफिलट लिंक यूज करा है इन द आर्टिकल इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यस यू कैन डू दिस, हाँ ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है इट्स पार्ट ऑफ एफ एसोसिएट्स प्रैक्टिस मुझे बता देना अगर मैं इफ़ आई मिस्ड आउट समथिंग कैन वी टेक आउट रेडी कंटेंट फ्रॉम गूगल रिमूव प्लेजरिज्म यूज़ मुझे मैसेज करो अब वो शॉपिफाई और उसके लिए रह गए जगह तो मैं बता दूंगा अगर कोई बनती है कैन वी टेक आउट रेडी कंटेंट फ्रॉम गूगल रिफ्रेस रिमूव प्लेजरिज्म सो यस द थिंग रेडी कॉन्टेंट में हम लोग हमारा राइटर क्या करता था जो मैंने तुम लोग अभी सिखाए हैं हमारा राइटर तीन आर्टिकल्स पर करता था तीन आर्टिकल्स रेडी कॉन्टेंट फ्रॉम वेबसाइट अदर वेबसाइट्स उनको उनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेता था और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके जो है ना पैराफ्रेज करके उसको लिख देता था वो करता यही था पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग उसकी बहुत बहुत थी। बहुत थी जबरदस्त करता था 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 वो सही है और पैराफ्रेज करके लाइव जाता 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 आर्टिकल आर्टिकल खत्म रैंक 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 हो जाता था, हमारा आर्टिकल। रैंक हो हमारा मतलब ये कि ये बात याद रखना कि छह आठ महीने हमें भी लगे नंबर वन पे रैंक आने पे लेकिन उसके बाद फिर हमारा हर आर्टिकल फॉरन फॉरन रैंक होता था वेन वीटेडिंग बेसिकली बार बार आर्टिकल को छेड़ना सही नहीं रहता लेकिन अपडेट करना अच्छी बात होती है अगर कोई अपडेट आ गई है आर्टिकल में कोई नया प्रोडक्ट आ गया है लिस्ट दूस गूगल पसंद करता है इस बात को बार बार छेड़ना नहीं फजूल में छेड़ना आर्टिकल को प्रॉब्लली अ बैड प्रैक्टिस करना बिकॉज इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो फिर ठीक है लिख दो और आगे लिख दो अपडेटेड एज ऑफ मार्च 2020 या अप्रैल 2020 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अपडेट करते तीसरी चीज, अगर तुम्हारे आर्टिकल्स रैंक हो देन गो फॉर द एक्सटेंडेड प्लान एक्सटेंडेड प्लान की तरफ जाओ डिस्कस करो हमसे भाई क्या सोच रहे हो एक्सटेंडेड प्लान में ठीक है एंड आई थिंक जो फॉर्म दिया है उसमें मैंने एक्सटेंडेड प्लान लिखा हुआ भी है मेरा ख्याल है इफ पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अब्दुल्ला मैसेज यू फॉर शॉपिफाई मैं देख लूंगा अब्दुल्ला एनी प्रोडक्ट्स अच्छा सो so,

अच्छा ओके एनी प्रोडक्ट परचेज बाय अ कस्टमर हु इज रेफर्ड टू एन एमेजोन साइट थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट दैट यू परचेज थ्रू पार्टिसिपेशन इन बिडिंग और ऑक्शंस ऑन कीवर्ड्स की टर्म्स और अदर आइडेंटिफाइज एंड इंक्लूड द वर्ड एमेजोन और किंडल और एनी अदर एमेजोन मार्क ओके ओके तुम बता रहे हो दिस इज कॉपीड यार ठीक है प्रोहिबिटेड ठीक है सो थैंक्स अगेन शोएब मैंने ये तुम लोग को बताया था कि अगर तुम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट में इवन गूगल के ऊपर भी कुछ वो है तुम लोग की गाइडलाइंस uh, अगर गूगल एड्स पे तुम लोग इस तरह की कुछ डालते हो, का नाम डाल लाइकली दैट यू विल गेट बैंड फॉर डूइंग दैट सही है वो उसके ऊपर और उस ज्यादा तवील बात करेंगे बाद में अभी वे शॉर्ट एंड टाइम ठीक है ओके okay.

इनशाला से कल से हमारा किंडल का सेशन स्टार्ट है ओके okay? अल्लाह हाफिज हाँ जुल्किन मैंने पढ़ लिया एंड यूर इन, सॉरी मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा लेकिन यूर इन फॉर किंडल सही है ओके देन, अल्लाह हाफिज